Good morning, everybody. A very good morning to all of you. This is a unique presentation on Sunday, where out of the overwhelming response that we got last week on Dr. Reddy's platform of National Prostate Health Awareness, that we are going to speak in Hindi. Aap sabko namaskar. Ravivar ki subah jab aap sab अपना नाश्ता खत्म करके चाय की कप लेकर के अपने साथ बैठे हुए हैं, हम आज नेशनल प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेशनल प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस सितंबर के महीने में मनाया जाता है या जागरूकता बढ़ाई जाती है, बिकॉज प्रोस्टेट वो ऑर्गन है जो पुरुषों के बॉडी में अंदर डीप छिपा होता है। प्रोस्टेट औरतों के ऑर्गन में नहीं होता है। प्रोस्टेट एक हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है और हर पुरुष को प्रोस्टेट के बारे में थोड़ा बहुत जानने की जरूरत है। पिछले हफ्ते पिछले संडे शाम को 5 बजे हम लोग आप सबके साथ जो वार्तालाप कर रहे थे अंग्रेजी में, उसके बाद जिस तरह की रिक्वेस्ट आई गोकुलाबेन हॉस्पिटल को और डॉक्टर रेड्डीज की लैब को, ये बहुत जरूरी था कि हम एक बार इसका हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचाएं, बिकॉज बहुत से लोग जो भारत के उन सब शहरों में रहते हैं और वहां सब रहते हैं जहाँ हम उनसे शायद मिल नहीं पाते, हमारे मित्र यूरोलॉजिस्ट और हमारे मित्र डॉक्टर्स आपके पास आते हैं, आपको प्रोस्टेट की जागरूकता के बारे में सब कुछ समझाते हैं। आज संक्षेप में वो आपको जानने की जरूरत है। तो हर पुरुष और हर पिता और हर ग्रैंडफादर के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वो प्रोस्टेट के बारे में कुछ जाने। ये जागरूकता आज नेशनल प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस सितंबर के महीने में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं कोकिला में धीरू अंबानी हॉस्पिटल में अपने ऑफिस में बैठा हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लगन से अगले 45 मिनट तक इसको सुन पाए। मैं ये अनुवाद ओडिया में और बंगाली में भी दे सकता था, जो भाषा में बोलता हूँ, और तमिल और असमी में दे सकता था, लेकिन क्योंकि हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है और ये रिकॉर्डिंग हर समय के लिए रहेगा, ये बहुत जरूरी है कि हम सब आप तक पहुंच पाए और वो जो मिथ्स हैं या वो जो मिथ्या है जिसको हम शैटर करना चाहते हैं, जो लोगों को जताना चाहते हैं, आज उसके बारे में आपसे वार्तालाप करते हैं। मैं एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे हूं तो मैं आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस शायद पढ़ ना पाऊं, लेकिन मेरे कुछ कनेक्ट्स नीचे लिखे होंगे, जैसे मेरा YouTube चैनल या मेरा Gmail और रेड्डीज लैब की पूरी टीम है जो आपको हेल्प कर सकती है। आप जो भी क्वेश्चन लाइव टाइप करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास अवश्य आएंगे, शायद कमेंट्स ना आ पाए, क्वेश्चंस तो आएंगे, ये आपके लिए जरूरी है कि आप उसके द्वारा आगे बढ़ पाएंगे। तो शुरू करने के लिए हम ये पूरी वार्तालाप को इस तरह से रख रहे हैं कि हम उन स्लाइड्स पे जा रहे हैं जिस स्लाइड्स पे हमने पहले भी गौर किया था। आज वो स्लाइड बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रोस्टेट की जागरूकता हम तभी फैला पाएंगे जब हम आपको कुछ दिखा पाएंगे, वो दिखा पाएंगे जो शायद बदन में दूर छिपा हुआ है, जो आप और हम दोनों नॉर्मली देख नहीं सकते। तो आज कोशिश है प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस हर पुरुष के लिए, और जिसके घर में कोई फादर और ग्रैंडफादर है उन सबको ये जानने की जरूरत है कि इसके बारे में थोड़ा अपने बारे में जाने, बिकॉज ये ऑर्गन यूरिनरी सिस्टम का एक बहुत ही अभिन्न अंग है और ये बिल्कुल उस जगह पे है जहां हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश है कि हम आपको आज स्लाइड्स के द्वारा कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट टीम, इज माय स्लाइड विजिबल? या तो आज जो हमारी कोशिश है वो प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस पे है। 20 सितंबर रविवार की सुबह आप सबको धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय इस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के लिए इन्वेस्ट किया है, और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या बात करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। आपको कोई पिक्चर्स लेना है या कुछ लास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पास करूंगा, और बाद में हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे जीमेल पे या ट्वीट पे या डॉक्टर रेड्डी लैब की इतनी बड़ी जो प्लेटफॉर्म है, या आपके कमेंट्स के द्वारा हम जो बाद में पढ़ पाएंगे। और सपोर्ट टीम ने अग्री किया है कि वो आपके कमेंट्स या आपके क्वेश्चन हमारे तक पास करेंगे, तो बात करते करते अनुवाद करते करते मैं शायद कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देता जाऊँ। मेरा मानना है कि बहुत से आपके क्वेश्चन, आपकी जो हमें जो शंका है प्रोस्टेट के बारे में, उसका आंसर हम खुद ही देने वाले हैं जैसे जैसे हम आपके साथ अगले 45 मिनट में जुड़े हुए। तो अपने आप को हमारे साथ रखें। पूरी इवोल्यूशन जो इस सब्जेक्ट की है कि आज हम हॉस्पिटल में बैठे बैठे और आपके घरों तक पहुंच पा रहे हैं, और डॉक्टर कम्युनिटी की, यूरोलॉजिस्ट की, जनरल प्रैक्टिशनर्स की जो पूरी पूरी एक्सपीरियंस है और जो आज एविडेंस एग्जिस्ट करता है, उस सबका एक पूरा अनुवाद जो मेडिकल साइड से आप तक पहुंचती है और
टेबल के उस तरफ जब आप पेशेंट की तरह प्रेजेंट करते हैं तो आपके एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं और उसे कैसे मैच करने की जरूरत होती है एक मेडिकल कम्युनिटी को, हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट की ये जरूरत होती है। और प्रोस्टेट जैसी सब्जेक्ट के बारे में जिसके बारे में बहुत मिथ्या है और जिसके बारे में अलग स्पेशलिटीज मेडिकल में इतना जानते नहीं होंगे, हम आज वो सब मिथ्या को हटाना चाहते हैं और एक सो कॉल्ड पर्दाफाश करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट को आपके घरों तक पहुंचाने के लिए। तो मेरी कोशिश ये होगी। मेरा नाम डॉक्टर संजय पांडे है, मैं उड़ीसा से आता हूँ लेकिन हमारी ट्रेनिंग साउथ इंडिया में रही, सीएमसी वेलोर और जिपमा पॉन्डिचेरी में। मैं श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज में 10 साल तक था और 12 साल से कोकिला बेन धीरू अंबानी हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। खुशी होती है आपके सबके साथ कनेक्ट करने के लिए इस सब्जेक्ट के बारे में, इसके बारे में हम मरीजों से ही बात कर पाते थे जो मरीज हमारे टेबल के सामने बैठा रहता, जैसे इस ऑफिस में मैं बैठा। लेकिन सबको जागरूक कर पाना और लोगों को बता पाना कि ऐसी प्रॉब्लम जो किसी को भी हो सकती है और उसे कैसे आगे बढ़ाना, वो जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि अगले रविवार को शाम 4 बजे हम ऐसे 10 लोगों के बारे में प्रेजेंट करेंगे जो प्रोस्टेट की बीमारी लेके आए थे। तो आपको पता चलेगा कि आप में से कोई, आपके रिलेटिव में से कोई नंबर 1 है या नंबर 2 है या नंबर 10। तो वो शाम को 4 बजे एक अलग प्लेटफॉर्म से प्रेजेंट होगी। आपको पता होना चाहिए कि प्रोस्टेट की क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकती है, पर आज उसकी पूरी अनुवाद और किस तरह से एक मरीज उसके थ्रू गुजरता है और डॉक्टर की क्या एक्सपेक्टेशन होती है मरीज से और मरीज की क्या एक्सपेक्टेशन होती है मेडिकल कम्युनिटी से, आज उसके बारे में गौर कर रहे हैं प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ में सितंबर के। कोकिला बेन धीरू अंबानी हॉस्पिटल, जिसका बहुत आभारी हूं, यहां हम एक मोटो फॉलो करते हैं, एवरी लाइफ मैटर्स। ये आपका भी यही मोटो है, हम सबका यही मोटो है पूरी जिंदगी में कि हर जिंदगी उतनी इंपॉर्टेंट है, वो किसी की भी जिंदगी हो। और आज हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करने की कोशिश में प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस पे जा रहे हैं। ये सब्जेक्ट शायद हम कभी नहीं बोल पाते थे, ये इतनी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जो बन पाई जो कोकिला बेन धीरू अंबानी हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर की इस ऑफिस से और रेड्डीज लैब की, ये एक रिपीट एक्सपेक्टेशन से जिससे इतनी ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स, जिसमें हमें हिंदी में रिक्वेस्ट किया गया, तो हम इससे आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेजेंट करते हैं हमारी ड्रीम टीम यूरोलॉजी, जिसमें मेन इन ब्लू जितने भी लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं ये सब हमारे डिपार्टमेंट के कलीग्स हैं। राइट साइड में डॉक्टर बिजॉय अब्राहम, डॉक्टर इस्माइल और मैं बैठे हुए हैं और हमारी सारी टीम जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टीम है ये इस डिपार्टमेंट को और प्रोस्टेट और पूरी किडनी हेल्थ और यूरिनरी हेल्थ को आगे ले जा चुकी है। तो पिछले 12 साल से हम इस डिपार्टमेंट में जागरूकता और ट्रीटमेंट और कोशिशें अपनी बढ़ाई जा रहे हैं। आज की जो पूरी पर्पस है, आज का जो पूरा लगन है, वो ये है कि हम अवेयरनेस और पॉजिटिव अवेयरनेस पूरे सोसाइटी तक पहुंचा। तो कोई भी बीमारी के बाद जब डॉक्टर बात करता है तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक मरीज को शायद पसंद हो, क्योंकि हर मरीज ये एक्सपेक्ट करता है कि हम डॉक्टर के पास गए तो बिल्कुल ठीक होने चाहिए। तो ये पॉजिटिविटी जो हम फैलाना चाहते हैं आपको इस सब्जेक्ट के बारे में, ये है कि आप किसी भी समय पे आए अपनी प्रोस्टेट की बीमारी लेके, आपके यूरोलॉजिस्ट इस देश में, इस शहर में केपेबल हैं आपको ठीक करने के लिए। बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने अपनी डिजीज को पकड़ा तो टाइम पे क्यों नहीं आया, अपनी हेल्थ को फ्रंट रो सीट में लाने की जरूरत है, एटलीस्ट कोरोना टाइम्स में, इन टाइम्स में जिससे हम मुश्किल से गुजर रहे हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे काले बाल धीरे धीरे सफेद होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र 40 से 50 से 60 होती जाती है, हम हर साल बर्थडे केक काटते रहते हैं और ताली मनाते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि हम एक साल और कम जवान हो गए या एक साल बूढ़े हो गए। हेल्थ की कुछ ऐसी हजार्ड्स हो सकती हैं जिसमें अंदरूनी कोई चेंजेस हो रही हैं जो हमें दिखता नहीं है, वो या तो मरीज की कंप्लेन के द्वारा या फिर कोई टेस्ट के द्वारा पकड़ में आता है। तो ऐसे हेल्थ हजार्ड न होने देने के लिए हर सेक्शन को पता होना चाहिए कि उनमें क्या हो सकता है, औरतों में क्या हो सकता है, पुरुषों में क्या हो सकता है, बच्चों में क्या हो सकता है, बुजुर्गों में क्या हो सकता है, या फिर उनके कंप्लेंट्स के द्वारा उनकी बीमारी के दूर तक जाने की जरूरत। तो आपके डॉक्टर को आपकी यूरिनरी हेल्थ के लिए टाइम पे मिलना जरूरी है और आपको सही डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत है। तो जैसे छाती की दर्द है तो आप यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं आएंगे, सर में दर्द है तो मेरे पास नहीं आएंगे, मेरे पास सिर्फ किडनी यूरिनरी प्रॉब्लम यूरिनरी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए ही आएंगे। तो जरूरी है कि आज हम आपको जागरूकता फैलाएं, हम आपको ये बताएं कि इट्स टाइम टू टेक योर हेल्थ टू द फ्रंट रो सीट, बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी। तो फिर पूछता है सर यूरोलॉजिस्ट कौन है, तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स शब्द होता है एक आम आदमी के लिए। मैं उस आम आदमी पार्टी से हूं जहां आप सब हैं, कहने का मतलब ये है कि हम सब आम लोग हैं, हमें इतनी सारी सब्जेक्ट्स के बारे में इतनी जागरूकता नहीं होती है, और जागरूकता होने की जरूरत है क्या? मैं बोलता हूं हाँ और नहीं। हाँ, क्योंकि हम सब धीरे धीरे उस तरफ ही जा रहे हैं जहां हमने बुढ़ापा नहीं देखा लेकिन हम कुछ दिन बाद देखने वाले हैं, और ना इसलिए बिकॉज हमें उतनी डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं है। आपका डॉक्टर आपका काम कर रहा है, जैसे आपका ड्राइवर आपका काम कर रहा होता है और आपका पायलट आपका काम कर रहा होता है कि आपने आंख बंद की और आंख खोले तो मुंबई से दिल्ली पहुंच गए, वैसे आपका डॉक्टर आपका काम कर रहा होगा। पर आपको जानना जरूरी है कि किस डॉक्टर के पास कब पहुंचे और क्यों पहुंचे। तो यूरोलॉजिस्ट वो हैं जो मेडिकल और सर्जिकल डिजीजेस के साथ डील करते हैं, तो हम इन्फेक्शन के साथ डील करते हैं,
इन्फ्लेमेशन के साथ डील करते हैं और कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम के साथ डील करते हैं। किन ऑर्गन्स के साथ? किडनीज के साथ। किडनीज वो ऑर्गन है जो किडनी यूरिन फिल्टर करती है, जो आपके पीछे होती है, किडनीज आगे नहीं होती है अनलेस कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटी हो। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। यूरेटर्स वो नैरो पाइप है, और यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट और यूरिनरी पाइप, और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो गुप्तांग होते हैं जिससे हम डील करते हैं। तो इनकी यूरिनरी और जेनिटल सिस्टम की जो पूरी डीलिंग होती है यूरोलॉजिस्ट डील करते हैं। और ऑब्वियसली हमारा सपोर्ट इस जमाने में आपका है, बिकॉज आप टाइम पे अपने डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं। हमारा सपोर्ट सारे फैमिली फिजिशियंस और जनरल प्रैक्टिशनर्स और बाकी एलाइड स्पेशलिटीज के हैं, जो लोग हमें हेल्प करते हैं और मरीज को टाइम पे रेफर कर पाते हैं। किसी के पेशाब में खून जा रहा है तो घर में बैठ करके और उस दिन टीवी देखने की जरूरत नहीं, उस दिन अपने डॉक्टर के पास इमरजेंसी में जाने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम इसे टाइम पे पहुंचे, बहुत जरूरी है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम आज कर रहे हैं डायल यू फॉर यूरोलॉजी। इसका मतलब ये है कि हम अगर यू डायल करेंगे तो यूरोलॉजिस्ट सामने आएगा। कहने का मतलब है हम एक बहुत ही डिफिकल्ट बेंड को नेगोशिएट करने वाले हैं, जिसमें हम यूरोलॉजी की एक बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर आज बात कर रहे हैं। इसी अवसर पर बात कर रहे हैं बिकॉज नेशनल प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस चल रहा है, और इस महीने में सितंबर तक यूरोलॉजिस्ट आपको इसी ऑर्गन के बारे में फोकस कर रहे हैं। इस तरह की फोकस आज के जमाने में आ चुकी है, आज से 2 साल 10 साल 25 साल पहले इस तरह की फोकस नहीं थी। तो मेरा बहुत आभार है कोकिला बेन हॉस्पिटल और डॉक्टर रेड्डीज लैब का, जो इस तरह का प्रोग्राम आपके तक पहुंचा पा रहे हैं, और इस पहुंचाने की कोशिश में वो जो इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट बेंड है उस बेंड को नेगोशिएट करने के लिए हम भागीदार हो पा रहे हैं, बहुत जरूरी है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यू विल नॉट बी एबल टू मेक द बेंड ऑफ दिस टर्न, यू विल बी एबल टू नेगोशिएट द टर्न, बिकॉज एवरी यूरोलॉजिस्ट इस शहर में, इस देश में, इस दुनिया में आपके साथ है। बस आपका काम है कि अपनी कहानी समय पर बताएं, वो बहुत जरूरी है। तो किस तरह की कहानी होती है, किस तरह के मरीज आते हैं? मैं कहता हूं एवरी पेशेंट टेल्स अ स्टोरी, हर मरीज अपनी कहानी बताता है। ये और बात है कि पहले दिन बताता है या एक साल बाद बताता है, वो इंपॉर्टेंट है। मैं रात भर पेशाब कर रहा हूं, रात भर मैं जगा हूं और बार बार यूरिन जाना पड़ता है। मैं जब बाहर निकलता हूं तो मेरे को टॉयलेट खोजना पड़ता है, अदरवाइज मेरा यूरिन लीक हो जाए। मैं कंट्रोल नहीं कर पाता टॉयलेट पहुंचने के पहले, मेरे पेशाब में खून आ रहा है, मेरे को बहुत समय लगता है पेशाब खाली करने में, और पेशाब खाली करने के बाद भी मैं ब्लैडर खाली नहीं कर पाता। मैं कभी कभी रात को बेड में पेशाब कर देता हूं, या जगह जगह भी बेड पे पेशाब हो जाता है निकलने के पहले। और डॉक्टर साहब मेरा पेशाब ड्रॉप ड्रॉप आता है, ऐसा पहले कभी आता नहीं था। कभी कभी डॉक्टर साहब ऐसा होता है कि मैं दिन में 10-20-40 बार भी यूरिन पास कर रहा हूं और मेरे को किडनी के स्टोन्स है, और अगर मैं पेशाब होल्ड करता हूं तो मेरे को बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। अब हम और आप अगर यूरिन होल्ड करते हैं तो हमें अर्जेंसी या सेंसेशन होता है, पर अगर कोई यूरिन होल्ड कर रहा है और उन्हें पीड़ा हो रही है, मतलब कुछ बहुत दर्द है। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि ये पेशेंट के प्रेजेंटेशन है। ये अगले संडे 4 बजे मैं कुछ केस के हिसाब से और कुछ मरीजों के हिसाब से बता रहा हूँ, 4 बजे अगले हफ्ते हम कनेक्ट करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे। पर इस तरह की प्रेजेंटेशन कोई 40-50 साल की उम्र से 90-100 साल की उम्र तक प्रेजेंट कर सकता है, और मेरे ख्याल से शायद कोई नहीं बच सकता, कोई पुरुष बच नहीं सकता। वो अपनी लाइफ टाइम में शायद इसे अनदेखा कर दे, वो अपने लाइफ टाइम में शायद इसे इमरजेंसी बना दे, लेकिन कोई भी इसे बच नहीं पाता, बिकॉज ऑर्गन की चेंजेस होती ही होती है। वो एक भाग्यशाली करोड़ में एक आदमी होता है जिसकी प्रोस्टेट ने उसे पूरी जिंदगी तंग नहीं किया, अदरवाइज किसी न किसी को अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल न कर पाना, यूरिन खुल के ना आना, और शायद एक बार या दो बार ऑपरेशन कराना वगैरह वगैरह, इस तरह की मुश्किलें होती है। हम उस पर गौर करने वाले हैं और कितना पॉजिटिव ले सकते हैं वो देखते हैं। तो पहली पॉजिटिविटी ये है कि इमेजिन हाउ यूरोलॉजी वुड बी इन एब्सेंस ऑफ टीम वर्क। अगर हमारा आपका अगर टीम वर्क नहीं है, मेरा और फैमिली फिजिशियन का अगर टीम वर्क नहीं है, मेरा और मरीज का टीम वर्क नहीं है, और हम दोनों अलग पेज पे हैं, तो शायद इस तरह की पटरी बनेगी जो पटरी शायद सही नहीं। तो आपको जो कुछ है वो आप डॉक्टर को बताते हैं, और डॉक्टर जो कुछ निकालना चाहता है वो अपनी बातचीत से, अपने एग्जामिनेशन से, अपने टेस्ट से निकालने की कोशिश करता है। मेरे को 24 साल हो गए यूरोलॉजी में, सीएमसी वेलोर के जमाने से आज तक। मेरे को पता है कि एक ही मैसेज है जो लाउड एंड क्लियर है, वो वही है, अगर मरीज टाइम पे आता है देन ही कैन डांस टू हिज ट्यून्स। उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी इंप्रूव होती है, कोई भी बीमारी हो, कोई इन्फेक्शन ही हो, वो एक कैंसर ही हो, क्योंकि इतना रेजर एज है आज के जमाने में, हम इतने बैलेंसिंग सिचुएशन पे हैं, हम अपनी गोल पोस्ट चेंज करे जा रहे हैं। आज का नया मरीज है वो गूगल के द्वारा सब कुछ समझ लेता है, पर गूगल के द्वारा अगर आप समझ पाते तो डॉक्टर की जरूरत नहीं, गूगल इतना ही बता पाता है आपको, इट कैन नॉट ट्रीट यू। सो बहुत बार मरीज बहुत पढ़े लिखे आते हैं और बहुत बहुत ज्यादा जानते हैं, पर आपका डॉक्टर हैज इवॉल्व्ड ओवर ट्रेनिंग, ओवर सीइंग पेशेंट्स फॉर डिकेड्स। आपका डॉक्टर अपनी एक्सपीरियंस और एविडेंस के आधार पे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉलो करता है, वो आपकी सेफ्टी के लिए बात करता है। वो डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, न्यूरोलॉजिस्ट हो, नेफ्रोलॉजिस्ट हो, इस हॉस्पिटल में जो 16 मंजिला बिल्डिंग है जहाँ पे कोई 170 कंसल्टेंट्स काम करते हैं, उनकी इस तरह की मैन इन ब्लू की टीम्स काम करती हैं,
24 घंटे का काम होता है कि हम 24/7 यहाँ एम्प्लॉयड हैं अपने मरीजों के बारे में, एक टीम वर्क होती है। और ये हर शहर में यही कहानी है, हर हॉस्पिटल की यही कहानी है। तो मैं आज सैल्यूट करता हूँ उतने डॉक्टर्स, उतने हेल्थ केयर पर्सनल, नर्सेज, टेक्नीशियंस को जो हर हॉस्पिटल में 24/7 काम करते रहते हैं। हम और आप जब रात को खराटे लेके सोते हैं, इंटेंसिव केयर में वैसे काम चल रहा होता है जैसे आप सिनेमा में देखते हैं, ये हर दिन की कहानी है। तो मेरा मानना है कि अगर आप टाइम पे प्रेजेंट करते हैं देन यू कैन डांस टू योर ट्यून्स, अदरवाइज बीमारी देर से आती है तो डॉक्टर भी वही कर सकता है जो शायद दवाई भी नहीं कर सकती। उम्र के साथ साथ चेंजेस होती है। हम आज प्रोस्टेट पे बात कर रहे हैं। यूरिनरी हेल्थ इश्यूज हर समय बर्डन बन सकते हैं और बर्डन कभी इतना हो सकता है कि आपकी बॉडी वो भार ना ले पाए। तो ये भार इतना ज्यादा है जो आपको दिख रहा है, और इस भार को कम करने के लिए अपने डॉक्टरों के पास टाइम पे जाए, टाइम पे बताएं। आप एक चीज तो करते हैं, हर सज्जन ये करता है 40-50 साल की उम्र में। आज हम इतने जागरूक हो चुके हैं कि हम अपनी हेल्थ चेकअप करते हैं। एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप में हम जो कुछ चेकअप करते हैं उसमें अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो हेल्थ चेकअप के पहले ही यूरोलॉजिस्ट से मिले होते हैं, पहला। दूसरा, हेल्थ चेकअप में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके बारे में मैं गौर करूंगा, जो यूरोलॉजिस्ट को जानने की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर इस दुनिया में रिपोर्ट्स की ट्रीटमेंट नहीं करता, रिपोर्ट्स देखना भी शायद नहीं चाहता, वो मरीज को देखना चाहता है, मरीज की भाषा सुनना चाहता है। सो अनलेस यू कंप्लेन इन टाइम, अगर आपने टाइम पे नहीं बताया और सही नहीं बताया तो फिर हम शायद बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत जरूरी है, और जरूरी है कि हम मरीज को पहचाने, मरीज को देखें, मरीज को आगे ले जाएं। और मेरा ये इंटरेस्ट रहता है कि आपकी स्टोरी के आधार पे ही वो एविडेंस बनती है जिसपे हम आपको एग्जामिन करते हैं और वो टेस्ट करते हैं। हम उस पर गौर करेंगे, हम जरा लोगों को जगाते हैं। और कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते थे 11:15 के आसपास, तो हम उनके लिए जरा सा समय बना रहे थे ताकि हर कोई ये जान पाए कि ये पहलू क्या है। सो आज का पूरा इशू ये, वी आर ऑन ए रेजर एज, वी आर ऑन एन एक्सेप्टेबल थेरेपी बट वी हैव माइल्स टू गो, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन चाहिए। व्हाट गॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर, क्योंकि किसी को 6 महीने पहले पेशाब में खून गया था, 3 महीने पहले पेशाब में खून गया था और फिर भी आप घर पे बैठे हुए हैं या से उतनी ट्रीटमेंट कराई, इसको लॉजिकली कंक्लूड नहीं किया। किसी को बार बार इन्फेक्शन हो रहा और बैठे हुए थे, तो शायद ये सब चीजों को जरा अनदेखा करने की जरूरत नहीं है। सो यू लिव ओनली वंस एंड ऑल हु डील विद हेल्थ, हर कोई जो हमारी मोटो फॉलो करता है, एवरी लाइफ मैटर्स को, हमारी हॉस्पिटल की मोटो, टुडे इज अ वेक अप कॉल अबाउट प्रोस्टेट। लाइफ बिल्कुल फुल सर्कल आ चुका, बिकॉज एक डॉक्टर आपके घरों में, आपके टेलीविजन पे और आपके फेसबुक पे आ चुका है आपको समझाने के लिए कि क्या करना है। संक्षेप में आपको पता है किडनीज कहाँ है, मैं कुछ स्लाइड्स को एनोटेट करूंगा जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वेलकम है, जो टीम है वो आपके कमेंट्स और क्वेश्चंस मेरे को भेजती रहेगी, मैं कोशिश करूंगा कि उसमें से जितने ज्यादा को देख पाऊं और आंसर कर पाऊं। ये आपके किडनीज, और किडनीज नॉर्मली पीछे होते हैं स्पाइन के दोनों तरफ, बिल्कुल यहाँ पीछे जैसे, तो ये दोनों किडनीज पीछे होते हैं और किडनीज की जो पतली सी पाइप होती है जिसे हम यूरेटर्स कहते हैं, वो किडनी जो फिल्टर का काम करती है और जितना भी वेस्ट ब्लड में है, ब्लड वो आपकी लाइफलाइन है और जिसमें जो भी कोई वेस्ट या टॉक्सिसिटी या कोई भी पॉइजन आता है तो उसे किडनी फिल्टर करके बॉडी से निकालती है, निकालती जो कुछ है वो एक बड़े ही एक तरीके से और बड़े ही ऑर्गेनाइज सिस्टम से नीचे आता है जिसमें एक ऑर्गेनिज हम यूरेटर्स कहते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पतली सी ट्यूब है जैसे मैं एनोटेट कर रहा हूँ राइट साइड में, इसे यूरेटर्स कहते हैं। राइट साइड में जब भी कहता हूं तो वो आपका लेफ्ट होता है, बिकॉज हमारे लिए राइट हर समय आपका राइट साइड है, आप में फेस कर रहे हैं। तो मैंने राइट यूरेटर में एक रेड लाइन लगाई है और लेफ्ट यूरेटर में आप देख रहे हैं एक ब्लू कलर की एरो है। यूरिन इस रास्ते से आता है बिकॉज प्रोपेल होता जाता है, जैसे इंटेस्टाइन्स में खाना प्रोपेल होता है, तो यूरिन प्रोपेल होकर इस यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर में आप यूरिन स्टोर करते हैं। हम आज यूरिनरी ब्लैडर की बात नहीं कर रहे हैं, लीक के बारे में अलग से बात करेंगे। और उसके बाद जो एरिया है ब्लैडर के नीचे, इस एरिया में प्रोस्टेट होता है। मैं आपको भी जगा देता हूं, ये एरिया है ब्लैडर नेक पे जहां प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट एक पुरुषों का ग्लैंड है, औरतों के लिए। तो ब्लैडर का अपना एक दिमाग होता है, जैसे आपका मेरा एक दिमाग है, हमें इच्छा है तो हम ये सुनेंगे, हमें इच्छा है तो हम काम करेंगे, ऐसी ब्लैडर की अपनी इच्छा होती है। यूरिनरी ब्लैडर गॉल ब्लैडर से अलग है, गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे यहाँ ऊपर होता है। यूरिनरी ब्लैडर जहाँ आपको यूरिन की सेंसेशन होती है वो आपके बिल्कुल नीचे वाले पार्ट में, एब्डोमेन के सबसे नीचे पार्ट में होता है। जब ब्लैडर फुल होता है तो आपको सेंसेशन होता है, आप दौड़ के जाकर के यूरिन खाली करना चाहते हैं, उस समय ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है, रास्ता खुलता है और यूरिन निकलता है। मैं चल के जाता हूँ, दरवाजा खुलता है और मैं बाहर पहुंच जाता हूँ। सो ये पूरा जो अनुवाद है ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन होना और रास्ता खुलना, ये बिल्कुल कंप्यूटराइज है। देखो पता है कि जितने भी दुनिया में कंप्यूटर बने, सबसे बड़ा कंप्यूटर भगवान ने बनाया था, ह्यूमन बॉडी। वो उम्र के साथ डिके हो सकता है, उसकी चेंजेस हो सकती हैं, जैसे हमारी कल पुर्जे भी खराब हो जाते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट्स में, लेकिन इससे बड़ा कंप्यूटर नहीं बना। इट्स अ वेरी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। हमने कभी इतना सलाम ही नहीं किया भगवान को या फिर अपनी बॉडी को, हम इसे पहचान ही नहीं पाए। एटलीस्ट कोरोना के टाइम्स में हम जब घरों में स्टेइंग सेफ एंड स्टेइंग होम एंड अपने फैमिलीज को पहचान रहे, उस समय शायद अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, और सोच रहे तभी हम आपके पास पहुंच पा रहे हैं समझाने के लिए कि इन ऑर्गन्स की केयर और करने की जरूरत है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस तरह की कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो इसको टाइम पे मैकेनिक के पास ले जाए और से ठीक करें।
तो एनाटॉमी के हिसाब से आपको पता चल गया आपकी किडनीज पीछे हैं, पतली सी पाइप नीचे आ रही है जो यूरेटर्स है, और फिर ब्लैडर में यूरिन आ रहा है। ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं भी गड़बड़ हो सकता है, और सिस्टम गड़बड़ ना हो किसी बीमारी के कारण ये इंपॉर्टेंट है। मैं बताना चाहता हूं कि ये पुरुषों का ऑर्गन दिख रहा है आपको, ये सारे पुरुष जो 40s के 80s के बीच में है, हम इसे प्रोस्टेट कह रहे थे। ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर जो मैं अभी एनोटेट कर रहा हूँ, ये बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर जहाँ आप यूरिन स्टोर कर रहे हैं। इसके नीचे जो रेड वाला अनुवाद है वो प्रोस्टेट है, और प्रोस्टेट के बीच से ये यूरिन जा रहा है। अगर आप देख पा रहे हैं तो यूरिन इस प्रोस्टेट के बीच से यूरिनरी पैसेज के थ्रू नीचे आ रहा है। प्रोस्टेट को हिंदी में गदूड कहते हैं, पर प्रोस्टेट वो ऑर्गन है जो हर कोई अब समझता है अब गूगल के जमाने में। मैं एक शब्द और भी बताऊं कि एज ए यूरोलॉजिस्ट हम इतना सारा कुछ करते हैं, तो प्रोस्टेट हमारे लिए एक सिर्फ छोटा सा अंश है, क्योंकि जन्म में बच्चे जन्म लेते हैं और कुछ ऑर्गन्स मिसिंग है जिसमें यूरिनरी धार नहीं आ रही है, किडनीज में सूजन है, किडनीज में रुकावट है। बच्चे जब ग्रो कर रहे हैं एडोलेसेंट में, उनके पास जिस तरह की चेंजेस होती हैं यूरिनरी सिस्टम में, जो मैचुरेशन की चेंजेस हैं, एडल्ट्स होते हैं पुरुष और स्त्री जिसमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो रही है, इनफर्टिलिटी की इश्यूज हो रही है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रही है, और फिर एपिडेमियोलॉजिकली हम लोग पानी पीना कम कर चुके हैं, हम चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं, और स्टोन फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है किडनीज में, जो किडनी के पाइप के द्वारा आकर के गिरता है, उसके बारे में कभी फिर से अनुवाद करेंगे हिंदी में। प्रोस्टेट की बात कर रहे हैं आज, तो प्रोस्टेट या एपिडेमियोलॉजिकल डिजीज में इसलिए कहलाता है मेरी भाषा में, बिकॉज एपिडेमियोलॉजिकली हमारी उम्र बढ़ रही है, हम सब और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा रहे हैं, हम सब और भी बुजुर्ग या बुढ़ापे तक जिंदा रह रहे हैं। ऐसे कंडीशन में प्रोस्टेट भी अपना अपना काम कर रहा है, वो भी चेंजेस हो रहे हैं, और चेंजेस के द्वारा अलग अलग चेंजेस होती है। फीमेल यूरिनरी इश्यूज के बाद आज शाम को मैं 5 बजे यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, और हमारे यूट्यूब चैनल पे कोई औरतों की प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं होता, माफ कीजिएगा, हमने फीमेल्स को बिल्कुल नीचे रखा है, हम उनको ऊपर ले जाना चाहते हैं, लेडीज फर्स्ट। तो उनकी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी, स्ट्रेस, इनकॉन्टिनेंस, इन्फेक्शन बार बार, ये सब चीजें अपने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन सबको हम जरा बहुत गौर करना चाहेंगे आज। तो मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होगा कि प्रोस्टेट का ब्लैडर से बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो जरा यूरिनरी ब्लैडर को एक मिनट के लिए समझिए। यूरिनरी ब्लैडर एक स्टोरेज ऑर्गन है और वो यूरिन स्टोर करता है, वो एक बलून की तरह है। आपने बर्थडे के दिन बलून फुलाया और उसको पूरे फुल स्ट्रेच तक रखा, एनॉर्मस कैपेसिटी ब्लैडर की, उसकी इलास्टिसिटी ऐसी है जैसे बिल्कुल रबर की तरह, वो इलास्टिक स्प्रिंड होता जाता है। आपको टॉयलेट नहीं दिख रहा, आप शर्माते हैं बाहर टॉयलेट नहीं, यूरिन नहीं जाना चाहते, तो आप ब्लैडर को स्ट्रेच कर लेते हैं, जो गलत है, पर ब्लैडर की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी है, और ये आपकी किसी की आदत हो जाती है कि ब्लैडर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर लेता है। तो हम यूरिन तभी पास करने जाते हैं जब जाते हैं हम टॉयलेट के अंदर है, हम कहीं लीक नहीं करना चाहते, तो ब्लैडर आपकी बात मानता है, ब्लैडर आपका गुलाम है। कभी कभी ब्लैडर मालिक बन सकता है और आप गुलाम बन सकते हैं। ये कब होता है? व्हेन डू यू बिकम अ स्लेव? व्हेन द ब्लैडर बिकम्स ओवरएक्टिव, व्हेन द ब्लैडर डजंट लिसन टू एनीबडी। द ब्लैडर हैज लर्नड इट्स ओन, इट हैज खाली करना है, हमें कॉन्ट्रैक्शन करना ही करना है। तो ब्लैडर, अभी आप बैठे हुए हैं ये सुन रहे हैं भाषा, तो ये धीरे धीरे ब्लैडर भर रहा है। जब ब्लैडर पूरा भर जाएगा तो बोलेगा ये सब बंद करके जरा टॉयलेट जाइए, उस समय ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रास्ता खुलेगा, यूरिन निकल जाएगा। आप समझिए कितनी कंप्यूटराइज सिस्टम भगवान ने बना के दिया। तो इसे जरा स्ट्रेच ना होने दें, ब्लैडर को उतना स्ट्रेच ना करें कि उसकी इलास्टिसिटी पावर खत्म हो जाएगी। किस तरह की इलास्टिसिटी पावर खत्म होती है, इमेजिन कीजिए बर्थडे के दिन आप एक नया नवेला बलून लेके आए और उस बलून को आपने एयर से फिल किया और आपने पूरे घर को बर्थडे के लिए सजा दिया। उस रात को आप इन बलून्स को नीचे लाना भूल गए, और शायद 2-4, 7 रात आप भूल ही गए, बिकॉज आप व्यस्त हैं, जमाने में व्यस्तता बहुत ज्यादा है। जब इन बलून्स की हवा निकलते हैं या आप निकालते हैं खुद निकलते हैं, तो ये बलून उतने छोटे से बलून ही रहते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेच होके इन इलास्टिक टाइप के हो गए, इनमें वो कैपेसिटी नहीं रही, इनकी वॉल्स बिल्कुल पतली कमजोर और इन इलास्टिक हो गई, ब्लैडर की वही हाल हो सकती है। तो जो लोग अपनी यूरिन को स्ट्रेच करते रहते हैं, कहते हैं कि हम सीधे घर जाके यूरिन पास करेंगे, हम पानी नहीं पियेंगे, हमारा ब्लैडर बहुत स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी है, ये गलत है। ये आपका ऑर्गन है, इसे काबू में रखने के लिए आपको इसकी भी बात माननी पड़ेगी। तो ब्लैडर का प्रोस्टेट से इतना ताल्लुकात है, ये समझाने की जरूरत थी, बिकॉज हम ब्लैडर को स्ट्रेच करते जाते हैं। हम जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि इसमें हमने प्रोस्टेट दिखाया नहीं है, पर ये एरिया है प्रोस्टेट का जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच लीजिए कि मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें इस एरिया को मैंने प्रोस्टेट की तरफ दिखाया। अब यूरिन प्रोस्टेट के बीच से आ रहा है, ये अब तक औरतों का ऑर्गन था, मैंने इसे पुरुषों का ऑर्गन बना दिया। प्रोस्टेट ब्लैडर यूरिनरी पैसेज को कंट्रोल कर रहा है, तो ये रहा पैसेज जो खुला पड़ा था और प्रोस्टेट चारों तरफ है, धीरे धीरे ये प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को ब्लॉक करता जा रहा है। हम इसे आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आपका ब्लैडर आपकी बात नहीं मानता तो फिर आप यही करते, कहीं भी यूरिन लीक होता है, वो शायद कतार में हो, वो शायद फ्लाइट में हो, वो शायद रोड पे हो, मार्केट में हो, क्योंकि ब्लैडर ने डिसाइड कर लिया उससे कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आपने ब्लैडर को काबू में रखा और ब्लैडर को बिल्कुल वो बात मानने दिया, तो शायद आप सही जगह पे थे और आपकी बॉडी बिल्कुल एक कंप्यूटराइज सिस्टम की तरह चली आ रही थी। आज हम इतने डार्क क्लाउड्स को हटाने के लिए और सूर्योदय लाने की जो कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्गन पे, उसमें हम बात कर रहे हैं प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। प्रोस्टेट हेल्थ बढ़ता जा रहा है,
प्रोसेस हेल्थ की बर्डन बढ़ती जा रही है. क्यों? बिकॉज लोग जवान से कम जवान, कम जवान से बूढ़े, और बूढ़े से बुजुर्ग, और बुजुर्ग से उस उम्र के भी जाते हैं जो लोग जिंदा रहते हैं. बिकॉज आज हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ और हेल्थ इतनी इंप्रूव हो गई है कि हमारे ग्रैंड फादर्स 80s, 90s और 100s में जिंदा रह रहे हैं. उनकी यूरिनरी इश्यूज नहीं रुकेंगे, उनकी यूरिनरी इश्यूज की प्रॉब्लम होती है. कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज के कारण उनकी यूरिनरी इश्यूज की प्रॉब्लम होती है. तो नर्व के कारण, उम्र के कारण, सब हॉर्मोन के कारण चेंजेस हो रही है, तो ये बर्डन बढ़ता ही जा रहा है. तो चैलेंज इतना बड़ा है कि जब तक आपका सहयोग नहीं होगा, वो यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में आपको शायद पूरा हेल्प न कर पाएगा, बिकॉज आप हर समय देर से ही कंप्लेन करेंगे. प्रोस्टेट हेल्थ की बात कर रहे हैं, आपने देख लिया प्रोस्टेट कहाँ पड़ा हुआ है, और प्रोस्टेट के बीच से ये यूरिन जा रहा है, ये आप देख पा रहे हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम प्रोस्टेट को अच्छे से समझें. यूरिनरी ब्लैडर के बारे में जो मैं बात कर रहा था, वो ये यूरिनरी ब्लैडर था, जिसका अपना ही दिमाग है, वो आपकी बात अभी मान रहा है, और धीरे धीरे ब्लैडर एक बैग की तरफ होता जा रहा है. जैसे आप स्टार बाजार में बैग में भरते जाते हैं, जब बैग पूरा भर जाता है तो बोलता बहुत हो गया, उसकी लाइनिंग की सेंसेशन आती है और उसकी कॉन्ट्रैक्शन पावर होती है. तो उसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पावर को उतना स्ट्रेच ना होने. यूरिन जब निकलता है तो प्रोस्टेट के बीच से निकलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम जब जाते हैं तो दरवाजे के बीच से जाते हैं, तो ये रास्ता है वो दरवाजा कंट्रोल कर रहा है. वैसे यूरिनरी पैसेज का जो इनिशियल पार्ट है पुरुषों में सिर्फ, वो प्रोस्टेट कंट्रोल कर रहा होता है. तो प्रोस्टेट एक छोटा सा ग्लैंड है जो ब्लैडर के नीचे है और मोशन पैसेज के ठीक सामने है. मोशन पैसेज की बात मैंने क्यों की, बिकॉज बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन भी रहती है, और ये कॉन्स्टिपेशन कभी ना कभी आपको एक बॉर्डर लाइन प्रोस्टेट में तंग कर सकता है. यूरिनरी पैसेज प्रोस्टेट के बीच से जा रहा है, पीछे मोशन की पैसेज है, और यूरिनरी पैसेज उस अंग से आता है जिसके दो सब 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 फंक्शन है. ये एक एक्सेसरी सेक्सुअल ग्लैंड है, यंग एज में कुछ सीक्रीशंस बनाता है, पर बुजुर्गों में, बुढ़ापे में या 50 साल के बाद इसके फंक्शन कुछ नहीं होते. तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो बॉडी में रूडिमेंट्री हो जाते हैं, उनका उम्र के साथ फंक्शन कम रहता है, लेकिन क्योंकि चेंजेस हो रहे हैं उनमें बीमारी हो सकती है. तीन तरह की बीमारियां होती हैं प्रोस्टेट में. इन तीन तरह की बीमारियों को हम आज कुछ देर में संक्षेप में टेस्ट करेंगे और बात करेंगे. आपके अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसे आप कृपया छोड़ दें, हम यहाँ आपके लिए देख पाएंगे, है ना. हम इस पे गौर करेंगे. जो आपने क्वेश्चन पूछा है जयसवाल साहब, डायट्री एडवाइस के बारे में, हम इस पे आएंगे, हम इन क्वेश्चंस पे आएंगे. तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप इस चैट बॉक्स में छोड़ दें, या फिर आप टीम आपकी फेसबुक पे आपको देख रही है और आपके क्वेश्चंस ले पाएगी. जो क्वेश्चंस मैं मिस कर गया बात करते करते, उन क्वेश्चंस की हम आंसर आपको बताएंगे. तो आगे बढ़ते बढ़ते, ये तीन तरह की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों पर मैं बात कर रहा हूँ. और पहली बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस, ये जानना जरूरी है. प्रोस्टेटाइटिस, आइटिस जब वर्ड यूज करते हैं, अपेंडिसाइटिस, टिफ्लाइटिस, कोई भी चीज, हाँ, ऑर्काइटिस, इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है. एक इन्फ्लेमेशन या एक तरह का चेंज होता है, एक तरह की इन्फेक्टिव फिनोमेना हो सकती है जिसमें ऑर्गन इन्फ्लेम्ड है. ऑर्गन मतलब उसमें स्वेलिंग है, उसमें रेडनेस है, उसमें दर्द है, उसमें पीड़ा है, और ये सब कुछ एक इन्फ्लेमेशन के कारण है. इन्फ्लेमेशन का एक अंग इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, दूसरा इन्फ्लेमेशन का अंग ट्रॉमा भी हो सकता है, और कुछ अलग तरह के इंसल्ट हो सकते हैं. तो प्रोस्टेट एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक ऑर्गन है जिसके बीच से यूरिन जा रहा है, और अगर ये प्रोस्टेट इन्फ्लेम हो गया, अगर ये प्रोस्टेट में सूजन हो गई, जो एक यंग पेशेंट की बीमारी है प्रोस्टेटाइटिस, 20 से 40 से 50 साल की उम्र में अगर किसी को पेशाब में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, रुक रुक के आ रहा है, खून भी जा रहा है, बुखार भी हो रहा है, और यूरिन बिल्कुल ब्लॉक होता जा रहा है, तो शायद उनको प्रोस्टेट की बढ़ोतरी की या प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट की बीमारी नहीं है. 20 से 40 साल में कोई प्रोस्टेट इतना इलाज नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, एक उस तरह की ऑर्गन है, इसमें थोड़ा भी इन्फेक्शन जाए तो इन्फेक्शन तंग कर सकता है, इसे हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं. यंग सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में अगर किसी तरह की इन्फेक्शन है जिसमें सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन नहीं की, इन्फेक्शन यूरिनरी रास्ते के थ्रू अदर जाके इन्फेक्ट किया, तो आपको एक्यूट सिम्टम्स होते हैं. एक्यूट सिम्टम्स, सुबह उठे तो जलन हो रही है, पेशाब में जलन है, दर्द है, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, और नीचे के भाग में दर्द है, और कभी बुखार भी हो रहा है, और डायबिटिक लोगों में ये डिजीज बहुत फास्ट फैलती है. तो ये बहुत जरूरी है कि प्रोस्टेटाइटिस जो यंग लोगों की बीमारी है उसे पहचाने. सबसे कॉमन बीमारी जिसके बारे में आज हम जरा रूपांतर से बात करना चाहते हैं, उसे कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या आप अपनी भाषा में BPH समझते हैं, BHP या BPH, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया. इसमें गौर करेंगे, इसमें क्या होता है, पेशाब का रास्ता ब्लॉक हो रहा है, बिकॉज प्रोस्टेट शायद बाहर से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, पर अंदर से तो पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है. हाइपरप्लेसिया मतलब प्रोस्टेट के सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं हार्मोन की चेंजेस के द्वारा, और सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोस्टेट शायद बढ़ रहा होगा. उसका बढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना उसका बढ़ के और पेशाब के रास्ते को अंदर से ब्लॉक करना, हम उसे गौर करेंगे. और फाइनली एक इंपॉर्टेंट बीमारी जिसके बारे में आज जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस में, जिसे हम कहते हैं प्रोस्टेट कैंसर. प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन रिलेटेड कैंसर है, ये बाकी कैंसर से बहुत भिन्न है. आपके बॉडी में, पुरुषों के बॉडी में जितने भी कैंसर होते हैं उसमें हार्मोन रिलेटेड कैंसर में यही कैंसर कहलाता है,
और इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है और अपने डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है। तो आपके यूरोलॉजिस्ट इसमें बिल्कुल जागरूक है और पूरे देश में काम करते हैं। मैं कोकिला मंदिर में अंबानी हॉस्पिटल में प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की ट्रीटमेंट मेडिसिन और सर्जरी के द्वारा, और उनकी जो प्रॉब्लम होती है और सर्जरी के बाद जो प्रॉब्लम होती है जिसमें लोगों ने सर्जरी कराया और उसके बाद वापस आए, और फिर प्रोस्टेट कैंसर की जो ट्रीटमेंट होती है जिसमें कुछ हार्मोन थेरेपी और जिसमें रोबोटिक कैंसर सर्जरी करते हैं, हम उस पर काम करते हैं। तो ये तीनों जो एबनॉर्मलिटी ऑफ प्रोस्टेट है वो एक यूरोलॉजिस्ट के डोमेन में, वो हमारे डोमेन में है। और सुबह सोमवार सुबह 8:30 बजे से शाम तक, शनिवार की शाम तक यही होते रहता है। बुजुर्ग आते हैं, लोग आते हैं और मुश्किल में आते हैं। आगे बढ़ने के लिए और बात करने के लिए यूरोलॉजिस्ट क्या करना चाहता है इस प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में और प्रोस्टेट ग्लैंड क्यों हमें तंग करता है, हम गौर कर रहे थे प्रोस्टेटाइटिस के बारे में, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट। सो प्रोस्टेट यंग आदमियों में सब कुछ ठीक चला लेकिन ये इन्फ्लेम हो गया, तो पेशाब में जलन होना, दर्द होना, खून आना, रुक रुक के आना, ड्रॉप ड्रॉप आना, नीचे पेरिनियम में बहुत दर्द होना, और ये सब कुछ बिल्कुल एक्यूट, बिल्कुल हालत खराब है। ऐसी कंडीशन अगर होती है किसी को तो सीधे यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, इमरजेंसी में जाना है। इसे इतना बढ़ने नहीं देना कि मैं दो दिन कुछ दवाई खा के वेट कर लूं फिर जाऊं, बिकॉज बहुत बार ये इन्फेक्शन के कारण होता है, बहुत बार ये रुकावट के कारण भी होता है। प्रोस्टेटाइटिस अगर रुकावट हो गया, कोई नाला अगर ड्रेन नहीं कर रहा है, उसमें जम जाता है कचरा, तो गंदगी और इन्फेक्शन होती है। प्रोस्टेटाइटिस यंग लोगों की बीमारी है पर बुजुर्गों में भी हो सकती है। हम इसके बारे में आज बात करना चाहते हैं, लार्ज प्रोस्टेट या BPH, जो शब्द आपने बहुत बार सुना है। बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया एक बेसिकली उन लोगों को अफेक्ट करती है जो 40-50 साल के बाद की उम्र के, तो पुरुष जो 40-50 साल के बाद की उम्र है, मैंने बताया कि प्रोस्टेट में हाइपरप्लेसिया या सेल की ग्रोथ हो रही है, उसके द्वारा जो चेंजेस हो रही हैं वो चेंजेस यूरिनरी पैसेज को अफेक्ट करती हैं। वो चेंजेस अफेक्ट क्या करती हैं, वो ये यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक करने की कोशिश करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप राइट साइड जाएं तो देखिए ये प्रोस्टेट बिल्कुल बढ़ चुका है और एबनॉर्मली बढ़ चुका है। ये एनलार्ज प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को बिल्कुल लंपी बंपी बना सकता है और ये रास्ता ब्लॉक हो सकता है। तब ये उस तरह का पेशाब का रास्ता नहीं बचा जिससे पेशाब खुल के आती थी। बचपन में याद है आपको, जब आप यूरिन पास करते थे तो दीवार तक यूरिन पास होती थी और दीवार के बाद बॉर्डर की उस तरफ जाता था और आप पेंटिंग भी कर लेते थे, इसकी कॉम्पिटिशन हुआ करती थी। वो जमाना गया, 40-50-60 साल के बाद यूरिनरी पैसे धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा है, आपको दिख भी नहीं रहा, और जो यूरिन आप दीवार तक पास करते थे वो कभी कभी पैरों पर और कपड़ों में भी गिर जाता, तो ये बहुत मुश्किल की बात है। तो ये बहुत जाना जरूरी है कि 40-50 साल के बाद, वेन यू आर ग्रेसफुली एजिंग, उस समय जो चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में जो हम गौर कर रहे हैं, उसमें ये भी बात करना पड़ेगा कि प्रोस्टेट कैंसर या कैंसरस चेंज जो हो सकती है इसमें, वो हार्मोन की चेंजेस के द्वारा होती है। ये कोई लंग कैंसर नहीं है या कोई ब्लड कैंसर नहीं है या कोई स्टमक की कैंसर नहीं है या कोलोन या रेक्टम की कैंसर नहीं है, ये बिल्कुल हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है और ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा। आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस वेलकम है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कुछ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपको इसकी जागरूकता जो है वो बहुत अच्छी बात है, आपको अगर जागरूकता नहीं है तो आप आज सुन रहे हैं, पर इससे ज्यादा अगर कुछ आप जानते हैं तो उसकी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और अगले संडे शाम को 4 बजे इसके बारे में अलग तरीके से मुलाकात होगी जिसमें उन मरीजों के बारे में बात होगी जो ये प्रॉब्लम लेके आते हैं। तो होता क्या है, मरीज हमारे पास कैसे आते हैं, जिसके बारे में हम केस के हिसाब से अगले हफ्ते बात करेंगे, पर आज बताते हैं होता क्या है। मैंने दिखाया आपको प्रोस्टेट की जो बीच से पेशाब का रास्ता जा रहा है वो कितना पतला होता है, आपने देखा है आपकी यूरिनरी पैसेज के टिप पे यूरिन का पैसेज कितना पतला, तो अगर वो थोड़ा भी ब्लॉक हो जाए ये हार्मोन चेंजेस के द्वारा, और हार्मोन चेंजेस एक हफ्ते, एक साल और एक महीने में नहीं होते, हार्मोन चेंजेस ग्रेजुअली होते हैं। जैसे औरतों में मेनोपॉज होता है और एक दिन पीरियड्स बंद हो जाता है 40-50 साल के बाद, वैसे ही पुरुषों में हार्मोन की चेंजेस हो रही है, उनके भी हार्मोन्स बदल रहे हैं, उनकी भी कैपेबिलिटी बदल रही है यूरिनरी पैसेज में, ब्लड में, सब जगह। ऐसे कंडीशन में प्रोस्टेट की जो अंदरूनी चेंज हो रही है वो यूरिनरी फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकती है। क्या हो सकता है, जो यूरिनरी पैसेज बिल्कुल खुला पड़ा था, ये पैसेज बिल्कुल खुला पड़ा है और ये प्रोस्टेट के बीच से जाता है, ये आपने देखा ये प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट के बीच से जाता है। अब नीचे आके देखिए लेट स्टेज में यूरिनरी पैसेज बिल्कुल ब्लॉक होता जा रहा है बिकॉज प्रोस्टेट अंदरूनी रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि आपका पेशाब जो बिल्कुल खुल के आता था वो खुल के आना बंद होता जा रहा है, रुकावट बनती जा रही है, तो जो बिल्कुल झरने की तरह पेशाब आता था वो ड्रॉप ड्रॉप आना शुरू होता है। इस तरह की स्ट्रेनफुल जो वॉइडिंग होती है जो मरीज करते हैं वो क्योंकि प्रोस्टेट में चेंज हो रहा है। किस तरह की चेंज के बारे में आज मैं गौर कर रहा हूँ, ये है, मैंने बताया था प्रोस्टेट ब्लैडर के नीचे है। अब ये प्रोस्टेट के ये दो लोब्स हैं, लेकिन ये एक कट सेक्शन है, आप समझ पा रहे होंगे, हमने अगर बीच से काट दिया तो क्या दिखता है, अंदर दिखता है कि यूरिनरी पैसेज प्रोस्टेट के बीच से जा रही है और ये जो पेशाब का रास्ता यहाँ से जा रहा है, प्रोस्टेट ये दोनों बढ़ करके इसको ब्लॉक कर सकता है, प्रोस्टेट अंदर जा करके इसको ब्लॉक कर सकता है। ये देख रहे हैं आप, ये दरवाजा वही रहना चाहिए रूम के बाहर पर, दरवाजा रूम के अंदर तक आ रहा है, तो ऐसे ये प्रोस्टेट बिल्कुल रूम के अंदर तक आने की कोशिश कर रहा है जहां उसका जगह नहीं है, उसका जगह यहीं पे है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोस्टेट अंदर तक नहीं आया है, ये यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट।
लेकिन प्रोस्टेट अंदर यहाँ ब्लॉक कर रहा है, तो ये बीच वाले अंश में देख रहे हैं कि ये रास्ता धीरे धीरे ब्लॉक होता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम ये सिचुएशन को टाइम पे पहुंचे। और तीसरे स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, जो मेरे को शायद दिख नहीं रहा है, कि दोनों प्रोस्टेट के दोनों लोब्स, एक तो ये लोब है, माफ कीजिए, एक एक तो प्रोस्टेट का ये लोब है जो इधर है, और एक ये लोब है जो इधर है, और दोनों चिपक के बीच में अंदर से ब्लॉक कर रहे हैं, और ये मीडियल लोब अंदर जा रहा है। ये आपको सब समझाने के लिए है कि प्रोस्टेट की ग्रोथ बहुत अलग तरीकों से हो सकती है, वो इस तरफ उस तरफ कहीं भी बढ़ सकता है, और बढ़ता है तो आपकी परमिशन से नहीं बढ़ता, आपको बता के भी नहीं बढ़ता, वो बढ़ रहा है। जैसे आपके मैंने बताया काले बाल सफेद हो रहे हैं, आपकी परमिशन नहीं है, पर ये धीरे धीरे हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन होता है जिसे मरीज बताते हैं और बताने की कोशिश करते हो, तो इस पर जरा गौर करें आप। मरीज बोलता है कि मेरे को स्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, डॉक्टर साहब मेरा ब्लैडर फुल है, मैं टॉयलेट पहुंचा, अनजिप किया और तैयार हुआ, लेकिन मेरे को पुश करना पड़ता है तब मैं स्टार्ट कर पाता हूं, उसे हेजिटेंसी कहते हैं। मैं आपके क्वेश्चन देख रहा हूं और हम इन सब पे गौर करेंगे। पेशाब की धार पतली आ रही है और खुल के नहीं आती है, रुक रुक के आती है। हम जब पेशाब खत्म कर लेते हैं तो लगता है कि अभी भी बहुत पेशाब बच गया है, और हमें स्ट्रेन करना पड़ता है, हम यूरिन को पुश करके पास करते हैं। जैसे कॉन्स्टिपेशन में हम पुश करके मोशन पास करते हैं, वैसे हमें यूरिन स्ट्रेन करके पास करना पड़ता है, और यूरिन पास करने के बाद थोड़ा थोड़ा ड्रिबल होता रहता है। तो मैं समझ पा रहा हूँ कि इस तरह की सिचुएशन एक उसमें है जो ऑलरेडी हैज क्रॉस द बोर्ड, मतलब जिनकी रुकावट हो रही है। आप देख पा रहे हैं दोनों तरफ से प्रोस्टेट कंप्रेस कर रहा है इस यूरिनरी पैसेज को, और यूरिनरी पैसेज धीरे से कंप्रेस हो रहा है। अर्जुन जायसवाल साहब, मंगेश साहब, संजय ठाकुर साहब, आप सबके क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं, मैं और भी क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा, और हम संक्षेप में ये बात करने के बाद आपके क्वेश्चंस की भी अलग से आंसर करेंगे। बट बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स मैं खुद ही कोशिश कर रहा हूं, जैसे बताता जाऊं जैसे जैसे आपकी बात आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऑब्स्ट्रक्शन सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है, जो शायद आप बिकॉज ये धीरे धीरे होता है इसको टालते जाते हैं, या शायद आपको पता ही नहीं चलता। हम लोगों को बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन तो इतने साल से था, आज क्यों है? तो सर ये उतना नहीं था, उतनी मुश्किल नहीं थी, हमारा काम चल रहा था और हम काम चला रहे थे। तो इस तरह की जो लैंग्वेज होती है उसे पता चल जाता है कि मरीज एडजस्ट कर सकता है, एडजस्ट करता जाता है। पेशाब पूरा खाली नहीं होना, खुल के नहीं आना, रुक रुक के आना, जोर लगाना, जाने के बाद भी लगना कि पूरा आधा पेशाब रह जाना और ड्रॉप ड्रॉप आना, ये सब कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव वार्निंग है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है पेशाब के रास्ते। अगर पेशाब के रास्ते ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है, इस रास्ते की रुकावट हो रही है। तो कौन सफर करता है अगर दरवाजा बंद हो रहा है? रूम सफर करता है। वैसे अगर ये दरवाजा बंद हो रहा है तो ब्लैडर सफर करती है। तो आप ब्लैडर में देख पा रहे हैं कि ब्लैडर में डायवर्टिकुलम फॉर्म हो रहे हैं, ये बेचारा ब्लैडर अब गुब्बारे की तरह छोटे छोटे और गुब्बारे बना रहा है, बिकॉज इसमें प्रेशर बढ़ रहा है, ये ब्लैडर की प्रेशर बढ़ती जा रही है, और ये प्रेशर बढ़ती है तो मसल के फाइबर्स के बीच में डायवर्टिकुलम बनना शुरू होते हैं। तो आप वही डायवर्टिकुलम देख रहे हैं जिसे हम एक पाउच कहते हैं, एक पाउच या डायवर्टिकुलम बनता है। ब्लैडर को और ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लैडर खाली करने के लिए, ब्लैडर हैज टू कंप्रेस एंड पुश मोर। दरवाजा बंद होगा तो मेरे को और धक्का देना पड़ता है, तो ये ब्लैडर धीरे धीरे कई महीने कई सालों से और भी काम कर रहा है, और काम कर रहा है, तो ब्लैडर की वॉल थिकन हो जाती है। सोनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ब्लैडर की वॉल थिकनने से सिस्टाइटिस कहते हैं, ये सिस्टाइटिस नहीं होती, ये दरअसल ब्लैडर की इनविजिबल चोट है, जिस चोट को वो संभालने की कोशिश कर रहा है और ब्लैडर को पुश कर रहा है। अब मान लीजिए ये कंडीशन एडवांस होती जा रही है और आप इसे भी अनदेखा कर रहे हैं, आप कहीं दूर दराज हैं जहां आप डॉक्टर से नहीं मिलते, या उस डॉक्टर से नहीं मिलते जो शायद इसके बारे में पूरा नहीं जानता। जैसे मैं हार्ट और ब्रेन के बारे में बहुत कम जानता हूँ, मैं यूरिनरी ऑर्गन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। ऐसे ही कि आप किसी डॉक्टर से मिले जो इसके बारे में बात नहीं करता, तो शायद वो आपको लॉजिकली कंक्लूड नहीं कर पाएगा, इसलिए आपके यूरोलॉजिस्ट आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है। और इसलिए आपके फैमिली फिजिशियंस, आपके जनरल प्रैक्टिशनर्स आपको देखते हैं, आपकी हिस्ट्री लेते हैं, आपके टेस्ट करते हैं और फिर हमारे पास रेफर करते हैं, ताकि हम इनको जांच करके और फिर इसको समझ पाए। तो प्रोस्टेट के कारण ब्लैडर सफर कर रही है, उसके इनर लाइनिंग में डायवर्टिकुले बन रहे हैं, तो ये ब्लैडर वो ब्लैडर नहीं रहा जो कंप्यूटराइज ऑर्गन आपको भगवान ने दिया, इसमें डायवर्टिकुलम और पाउचेस बन रहे हैं, मतलब ब्लैडर कमजोर होती जा रही है, और कमजोर होते होते ब्लैडर बेचारी कंप्रेस कर रही है, आपने दरवाजा बंद कर दिया तो ब्लैडर पुश कर रही है। ये सब होते होते प्रेशर और ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है। मैं बताया था किडनीज जो यूरिन बना करके नीचे पास करती है, और किडनीज यूरिन स्टोर नहीं करती, और यूरेटर्स पतले पाइप होते हैं। राइट साइड आइए जहां मैं एनोटेट कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा पूरा, अगर ब्लैडर भरा हुआ है तो क्या होता है? ये ब्लैडर अपनी कैपेसिटी से भी बहुत ज्यादा भर चुका है, आप देख पा रहे हैं ये कैपेसिटी से बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है, जो मैं स्ट्रेच की बात कर रहा था, और ये प्रेशर ऊपर जा रहा है किडनी की तरफ, तो किडनी सफर कर रही है, इसमें हाइड्रो यूरेटर कहते हैं, फिर हाइड्रो नेफ्रोसिस कहते हैं। तो ये सब सोनोग्राफी में पकड़ में आती है, सब हर समय देर हो जाता है। तो अगर दरवाजा बंद है तो ये रूम सफर करेगा, इसके बाद वाला रूम सफर करेगा, बिकॉज प्रेशर ट्रांसमिट होता जा रहा है, बैक प्रेशर होता जा रहा है, तो अपर ट्रैक में डिस्फंक्शन होती है, साइलेंटली किडनी फेल हो सकती है, ये ना होने दें।
तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको पेशाब खुल के नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा, पूरा खाली नहीं हो रहा, जोर लगाना पड़ता है, और खाली करने के बाद भी अगर खाली नहीं हो रहा है, तो कृपया अपने यूरोलॉजिस्ट से मिले, अपने शहरों में मिले, और हम यहाँ आपके लिए बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए, बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर ब्लैडर बेचारा इरिटेट हो रहा है, ब्लैडर क्यों इरिटेट हो रहा है, ब्लैडर इसलिए इरिटेट हो रहा है बिकॉज आप उसको इरिटेट कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर दिया आपने, तो मैं इरिटेट हो रहा हूँ, मैं दरवाजे को नॉक नॉक करा जा रहा हूँ, तो ये ब्लैडर नॉक नॉक कर रही है, खोलो खोलो, लेकिन खाली नहीं कर पा रही है पूरा, बिकॉज ब्लैडर की इतनी कैपेसिटी, उस कैपेसिटी के बियॉन्ड काम कर रही है। दरवाजा खुला होता तो ब्लैडर की एक कॉन्ट्रैक्शन और एक कॉन्ट्रैक्शन में यूरिन खाली हो जाता, वो नहीं हो रहा, तो ब्लैडर इज इरिटेटेड। और ब्लैडर की इरिटेशन का रिजल्ट क्या होता है वो देखिए, ब्लैडर क्योंकि बार बार कॉन्ट्रैक्शन करती है, आपकी सेंसेशन ज्यादा होती है, आपको बार बार जाने की इच्छा होती है, यू वांट टू गो अगेन एंड अगेन टू पास यूरिन। आप 50 से 80 साल के बुजुर्ग हैं, 50 से 80 साल के मरीज हैं, 50 से 80 साल के पुरुष हैं, और आपको ये सब चीजें हो रही हैं, आपको अर्जेंसी आती है बिकॉज ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्शन किया और ब्लैडर ने बोला हमारे दिमाग से काम करो, अब हम मालिक है और आप गुलाम हो, तो मैन बिकम्स अ स्लेव एंड द ब्लैडर बिकम्स अ मास्टर। ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स स्ट्रांगली एंड द यूरिन विल कम आउट। अगर आप रोकने की कोशिश करते हो तो पेशाब निकल भी सकता है, और ये लोग कंप्लेन करते हैं। ये दरअसल आगे बढ़ जा चुके हैं आप, ये पहले दिन की कहानी नहीं है, ये कहानी देर की कहानी है, जब बेचारा ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन होकर बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इंटरमिटेंसी, ब्लैडर इतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो थोड़ा थोड़ा यूरिन आता रहता है। रात को बाया पेशाब होना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून होना, ये सब चीजों को, ये पूरी इरिटेटिव वार्निंग है, और ये सब एक कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। बेचारा आदमी जोर लगा रहा है, कहीं भी रुक के पास करना पड़ता है, जोर लगाते रहता है, थोड़ा थोड़ा पास करता है लेकिन टालते रहता है, और ये सब कुछ फादर्स और ग्रैंडफादर्स की कहानी है इस शहर में, इस देश में और सारी दुनिया में, और लोगों को पता नहीं होता। इसके अदर सिम्टम्स जो होते हैं वो बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मान लीजिए आपने ये सब कुछ अनदेखा किया, ऑब्स्ट्रक्शन को भी आपने अनदेखा किया, कुछ दवाई खाई रिजल्ट नहीं आया, इरिटेशन को भी अनदेखा किया, ब्लैडर इरिटेट हो रही है, ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ चुकी है, लेकिन इनएफेक्टिव कॉन्ट्रैक्शन है, वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं है जिसके द्वारा यूरिन खुल के आता है। और अगर ऐसा है तो मुश्किल तो है ही, कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, उसमें बर्निंग सेंसेशन होना, यूरिनरी इन्फेक्शन होना, क्योंकि यूरिन खाली नहीं होता है, ब्लैडर भरा रहता है, अगर ये नाला खाली नहीं होगा तो यहाँ पे गंदगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, स्टोन्स बन सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है बिकॉज प्रोस्टेट की अच्छी ब्लड सप्लाई होती है। अगर मैं आपके नाखून या बाल काटूं तो कोई खून नहीं आएगा, लेकिन प्रोस्टेट को छुएंगे तो भी खून आएगा, क्यों? बिकॉज प्रोस्टेट की एक ब्लड सप्लाई होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्लड सप्लाई होती है, प्रोस्टेट जब बढ़ता है तो धीरे उसकी ब्लड सप्लाई भी साथ साथ बढ़ती है, तो बहुत बार प्रोस्टेट से यूं ही ब्लीडिंग हो सकता है। आज के जमाने में हर बुजुर्ग इकोस्प्रिन खा रहा है, क्लोपिडोग्रेल खा रहा है, उनकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी बाईपास हो रही है, उनके ब्लड थिनर्स की दवाई चलती रहती है, और ऐसे कंडीशन में प्रोस्टेट एक ब्लडी ऑर्गन है जिससे ब्लीडिंग आराम से हो सकता है। इतनी ब्लड सप्लाई वाले ब्लडी ऑर्गन से कभी कभी ब्लीडिंग खुद भी हो सकता है नॉर्मल लोगों में, इन्फेक्शन के द्वारा हो सकता है, स्ट्रेनिंग और जोर लगाने से हो सकता है, कैंसर में हो सकता है, और अगर आप ब्लड थिनर्स खा रहे हैं तो भी हो सकता है, तो आपकी यूरोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। बहुत बार यूरिन में दर्द होना, जलन होना, थोड़ा थोड़ा पास करना, इसे हम कहते हैं स्ट्रैंगरी। स्ट्रैंगरी वो मेडिकल शब्द है या यूरोलॉजी का शब्द है जिसमें इनएफेक्टिव पेनफुल पासिंग ऑफ यूरिन जो पुरुष नीचे कर रहे हैं एंड नॉट एबल टू पास यूरिन, मतलब एक प्रोग्रेसिव सिचुएशन जिसमें थोड़ी प्रोस्टेटाइटिस की पिक्चर है, इन्फ्लेमेशन की पिक्चर है, प्रोस्टेट पहले से ही बड़ा हुआ है और हालत खराब है, पेशाब की पाइप डालनी पड़ सकती है क्योंकि लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो ये सब कुछ वो सिम्टम्स है जो बिल्कुल वहां तक जा चुके जो बॉर्डर के उस पार, मतलब आपने अनदेखा किया, आपकी ट्रीटमेंट नहीं हुई, आपको पता ही नहीं चला, प्रोग्रेसिवली हो रहा था और एक रात पेशाब बंद होने वाला, ये नहीं होना चाहिए, तो ये बिल्कुल प्रोग्रेस सिचुएशन है। तो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, नेशनल प्रोस्टेट अवेयरनेस हेल्थ मंथ में ये बताना बहुत जरूरी है, ये हर बुजुर्ग इससे गुजरता है, हर पुरुष इससे गुजरता है, कोई 40-50 साल की उम्र से, कोई 50-60 साल की उम्र से, कोई 80-90 साल की उम्र में, ये पता नहीं कब हार्मोन किस तरह से चेंज होगा और किसको कब इफेक्ट करेगा, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है आज के जमाने में कि हम सब जो पुरुष हैं अगर हमारी यूरिनरी कंप्लेंट्स है तो हम अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। अब मैं यहां आता हूं जो मैं बहुत शुरू में कह रहा था, इन्वेस्टिगेशंस, ये बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेशंस वो होता है, वो टेस्ट होते हैं जो एक डॉक्टर करना चाहता है आपके कंप्लेंट्स को सुनने के बाद, वो आपकी रिपोर्ट्स को देखने की इतनी इंटरेस्ट नहीं होती है। याद रखिएगा, हमारे पास मरीज आते हैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार ओपीडी चलती है, कुछ इमरजेंसी में कुछ रूटीन आते हैं, वो पहले से टेस्ट करा के आते हैं, उन टेस्ट का हमें उतना मतलब नहीं होता बिकॉज हमें टेस्ट को सिम्टम से कोरिलेट करना है, तो हम टेस्ट वही कराते हैं जो हमें चाहिए। प्रोस्टेट की बीमारी के लिए हम सीटी स्कैन ब्रेन और छाती के एक्सरे नहीं करेंगे, मेरे कहने का मतलब है कि हम बड़े बड़े एमआरआई टेस्ट सीधे शुरू नहीं कर देंगे अगर हम छोटे से टेस्ट से काम चला सकते हैं। हर टेस्ट की का जो भी खर्च होता है और जिसकी पीड़ा होती है और जिसकी कोई कोनोटेशन होती है वो तभी की जाती है जब उसकी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर, इसके बारे में मैं जरा बताना चाहूंगा, ये बहुत जरूरी है। मेरा घड़ी मेरे हाथ में है, मैं देख रहा हूं आप संडे का ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं एक हिंदी अनुवाद में जिसमें प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस मंथ में रेड्डीज लैब ये इतने इंपॉर्टेंट अनुवाद आपके लिए लेके आए हैं। यूरिन का सैंपल कैसे देना है ये बहुत जरूरी है, कोई मरीज बेचारा नहीं जानता कि यूरिन का सैंपल कैसे दिया जाता है,
एक डॉक्टर बहुत बार बताने में भूल चूक कर जाता होगा, बिकॉज एक डॉक्टर बिजी पुरुष है, वो इमरजेंसीज और इसके बीच में रहता है। तो आपको जानना जरूरी है आज इस प्लेटफॉर्म के द्वारा कि यूरिन का सैंपल कैसे दिया जाता है। कोई भी यूरिन का सैंपल शुड ऑलवेज बी अ मिड स्ट्रीम एंड अ क्लीन कैट स्पेसिमन। पहला पेशाब छोड़ के बीच का पेशाब ही दिया जाता है, और वो तब दिया जाता है जब वो कॉन्टामिनेटेड नहीं है। तो जितने लोग सर्कमसाइज नहीं है, जिनकी सुन्नत नहीं हुई है, जो लोग रिलीजियसली सर्कमसाइज नहीं है, जैसे जो लोग मुस्लिम नहीं है और जो लोग ज्यूज नहीं है, जिनके सर्कमसाइज नहीं है, उनके पुरुषों के द्वारा, उनके अंग के द्वारा जो ऊपर जो गुप्त अंग पे जो टिप पे चमड़ा रहता है, जिसे हम प्रेप्यूज कहते हैं, उसमें कॉन्टामिनेशन रहती है। उस प्रेप्यूज को पीछे किया, अच्छे से वॉश किया, हमारा ब्लैडर भरा हुआ है, हमने यूरिन पास करना शुरू किया, पहला यूरिन टॉयलेट में जाएगा और बीच का यूरिन इस बॉटल में जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज गिव अ मिडस्ट्रीम एंड अ क्लीन कैच स्पेसिमेन, जिसमें पहला यूरिन बॉटल में नहीं जा रहा, बीच का ही सिर्फ बॉटल में जाएगा, और बिना बॉटल को टच किए, बिना आपको प्रेप्यूज को टच किए, वरना आपकी रिपोर्ट की ट्रीटमेंट होती रह जाएगी, जो होती रह रही है वो गलत है। मैं नहीं चाहता कि किसी की यूरिन की रिपोर्ट की ट्रीटमेंट हो, किसी की बीमारी की ट्रीटमेंट हो और यूरिन रिपोर्ट से हम ये जान पाएं कि इन्फेक्शन है कि नहीं। यूरिन रूटीन में एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसे हम पस सेल्स कहते हैं। पस सेल्स पस नहीं है, पस सेल्स इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं। कोई भी इन्फ्लेमेशन में, कोई भी इन्फेक्शन में, कोई भी स्टोन की डिजीज में, कोई बीमारी में पस सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं, वो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है। कृपया उसे पस ना समझें और उसकी ट्रीटमेंट के पीछे भागते हैं, बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपने यूरिन का सैंपल सही दिया है, आपको यूरिन में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है वगैरह वगैरह, आपके डॉक्टर ने यूरिन रूटीन का टेस्ट मांगा है, कल्चर की भी उतनी रिक्वायरमेंट होती है, कल्चर 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है, पर वो बताती है कि किस बैक्टीरिया ने आपकी यूरिनरी सिस्टम में घर किया। याद रखिएगा, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और यूरेथ्रा में कोई बैक्टीरिया नहीं होते, कोई बैक्टीरिया नहीं होते। एक भी बैक्टीरिया उस घर में जाएगा तो चोरी करेगा, वो वहां चिपक जाएगा और पनप करके 10^5 हो जाएगा, और उसके कारण एक सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन साथ साथ हो रही है। तो साथ साथ मरीज सफर कर रहा है और हम यूरिन की सही रिपोर्ट देख रहे हैं। सो प्लीज ऑलवेज गिव अ प्रॉपर मिडस्ट्रीम क्लीन कैच स्पेसिमेन आफ्टर क्लीनिंग योर यूरिनरी पैसेज एंड सेक्सुअल पैसेज। प्लीज डोंट गिव द बॉटल एज कॉन्टामिनेटेड बॉटल, बहुत जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि ये सुबह सुबह 6 बजे ही देना है। अगर आप मेरे को सुबह 10 बजे मिलते हैं तो अगले दिन सुबह 6 बजे तक इंतजार नहीं करेंगे, आप सैंपल तभी देने की कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासोनोग्राफी वो टेस्ट है जो हर कोई करा के ही आता है, तो मेरे को इसके बारे में ना बोलना ही अच्छा है। अल्ट्रासोनोग्राफी एक ऑब्जर्वर ओरिएंटेड टेस्ट है। ये ऑब्जर्वर कौन है? ये ऑब्जर्वर एक रेस्पेक्टेड रेडियोलॉजिस्ट है, सोनोलॉजिस्ट है। ये हमारे एक मित्र हैं, हमारे एक डॉक्टर हैं, जो रेडियोलॉजी की स्पेशलाइज फील्ड में बहुत आगे जा चुके हैं। रेडियोलॉजिस्ट लोग सोनोग्राफी के समय बोलते हैं कि अपना ब्लैडर भरा होना चाहिए, बिकॉज भरे हुए ब्लैडर को हम एक विंडो मानते हैं, जिस विंडो के झरोखे के थ्रू हम देख पाते हैं। आप अगर विंडो अच्छे से खोलते हैं तो आपको पूरा सीनरी बाहर दिखता है, वैसे ही अगर ब्लैडर आपका भरा हुआ है तो आपके रेडियोलॉजिस्ट को पूरा अंदर का सीनरी दिखता है, बिकॉज ब्लैडर के थ्रू ही वो प्रोस्टेट देख सकते हैं, ब्लैडर में क्या पड़ा हुआ, कोई स्टोन तो नहीं है, कोई ग्रोथ है, कोई कैंसर तो नहीं है, प्रोस्टेट की साइज कैसी लगती है, ये सब कुछ वो ब्लैडर के थ्रू देखते हैं। इसलिए आपका ब्लैडर भरा होना चाहिए। ब्लैडर भरा होना मतलब ब्लैडर फटता ना रहे, बस ब्लैडर भरा रहे, गुड इनफ। मेरा इंटरेस्ट उस टेस्ट में है जिसे हम कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। मैंने आपको बताया था प्रोस्टेट की चेंजेस हो रही है बीपीएच में, इसका मतलब क्या है? ब्लैडर जो आराम से कॉन्ट्रैक्शन करता था, रास्ता खुलता था, अभी कुछ चेंज हो रहा है, प्रोस्टेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है तो भी रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर रहा है और रास्ता टाइट होता जा रहा है। ऐसे कंडीशन में अब ब्लैडर आराम से पुश नहीं कर पा रही है और ब्लैडर पुश नहीं कर पा रही है। तो जो कंप्यूटराइज सिस्टम था, ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करता है, रास्ता खुलता है, पेशाब खुल के आता है, इसकी एक मेजरमेंट होती है, इस मेजरमेंट को कहते हैं यूरोफ्लोमेट्री। मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड और यूरो मतलब यूरिन। सो यूरिन की फ्लो की मेजरमेंट ये हमें बताता है कि आपकी फ्लो नॉर्मल से कितनी एबनॉर्मल हो चुकी है। मैंने एक एग्जांपल दिया अपने मरीजों को जो इस टेबल के अक्रॉस बैठते हैं और सुनते हैं मेरे को। अगर हमें आपकी छाती के बारे में, आपके हार्ट के बारे में जानना है तो हम हार्ट खोल के टेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ ईसीजी करते हैं, पता चल जाता है आपके हार्ट में क्या हो रहा है, कोई ब्लॉकेज है नहीं है वगैरह वगैरह। और जिस दिन आपकी छाती में दर्द है उस दिन तो अवश्य देर हो चुका है, क्योंकि उस दिन जब आप आते हैं तब तक छाती में दर्द हो चुका है, तब तक कोई ब्लॉक हो चुकी है, तब तक आपके डॉक्टर एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करने की बात शुरू कर देंगे। तो मेरा मानना है कि हम डॉक्टरों के पास टाइम पे पहुंचे। छाती में दर्द होने के बाद आप ईसीजी कराए तो बहुत कुछ नहीं मिलता, कुछ गड़बड़ी मिलता। सिमिलरली यूरोफ्लोमेट्री आपने तब कराया जब रास्ते में बहुत रुकावट है, तब डॉक्टर को दिख जाएगा कि ये फ्लो इतनी खुल के आनी चाहिए थी, जो हमारी दीवार तक जाती थी वो धीरे धीरे घटती जा रही है। तो यूरोफ्लोमेट्री वो मेजरमेंट है जो आपकी यूरोलॉजिस्ट आपको करने को बोलते हैं, जिसमें आप फुल ब्लैडर में अपना बेस्ट फ्लो दिखाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम हॉल में पता चल जाती है आपका फ्लो कितना अच्छा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है मेरे मानने में। सोनोग्राफी और बाकी टेस्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? बिकॉज आपकी जो चेंजेस हो रही है, जिन चेंजेस को आपने एडजस्ट कर लिया है नंबर वन, या जिस चेंजेस के द्वारा आप अपने प्रोग्रेशन को अलाउ कर रहे हैं, जिस चेंजेस के द्वारा दवाइयों की ट्रीटमेंट चल रही है, वो चेंज कहां तक जा चुकी है, आप किस स्टेशन पे बैठे, ये आइडिया होना बहुत जरूरी है। इसे हम कहते हैं
यूरो फ्लो मेट्री, मेट्री मतलब मेजरमेंट, फ्लो मतलब स्पीड, आपकी स्पीड घट रही है बिकॉज शायद ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पा रही है या शायद रास्ता बंद हो रहा है। फाइनली हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक तरह का ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट से कुछ ऐसे मार्कर बनते हैं, मैं प्रोस्टेट से कह रहा हूँ, प्रोस्टेट कैंसर से नहीं, प्रोस्टेट एक ऑर्गन है जिससे एक एंटीजन निकलता है जो प्रोस्टेट के अंदर बनता है, ये ब्लड में स्पिल होता है और अगर ये बहुत ज्यादा होती है तो प्रोस्टेट में कुछ चेंज की मार्कर होती है, प्रोस्टेट के चेंज की मार्कर है ये, प्रोस्टेट कैंसर की मार्कर नहीं होती, ये बहुत जरूरी है। ये और बात है कि कैंसर चेंज में इसकी जो प्रकोप है वो बहुत ज्यादा रहती है जैसे इन्फेक्शन में रहती है, और हम इस पर जरा गौर करेंगे। तो PSA नॉर्मली 0 to 4 के वैल्यू में रहता है, 0 to 4 nanogram per cent। ये प्रोस्टेट PSA इन्फेक्शन की स्टेट्स में, कैंसर की स्टेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और आपके यूरोलॉजिस्ट ही केपेबल हैं इसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो इसकी लैब इंटरप्रिटेशन सिर्फ उतनी होती है, इसे क्लिनिकल कोरिलेशन करना होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इस शहर में कोई ऐसे 10,000 मरीज हैं जिसमें से 9,000 को मैंने भी देखा होगा जिनकी PSA बहुत बढ़ी हुई थी और पैनिक कर रहे थे, डॉक्टर के पास जाए जा रहे थे। PSA बढ़ जाना कोई कैंसर की मार्कर नहीं, PSA क्यों बढ़ा था, तो जिन लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन था, जिन लोगों के प्रोस्टेटाइटिस थी, जिन लोगों की रिटेंशन ऑफ यूरिन थी, उनकी PSA बहुत ऊंची बढ़ जाती है। और ऐसी कंडीशन में आपके यूरोलॉजिस्ट आपको सांत्वना देते हैं, एश्योर करते हैं पॉजिटिव प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में, जो आज हम प्रोस्टेट हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बात कर रहे हैं, आपको सांत्वना देते हैं कि घबराए नहीं, आपको हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, आपको हम सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, आपकी यूरिन को ड्रेन करते हैं, आपकी यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव करते हैं, और 2 हफ्ते के बाद इस एंटीबायोटिक्स के बाद जब टेस्ट करते हैं तो आपकी PSA 25-30 से लेकर 2-4-5 को आ जाती है, आपकी दुनिया बदल जाती है। तो कृपया, हर PSA बढ़ा हुआ PSA कैंसर नहीं होता है और हर नॉर्मल PSA कोई जरूरी नहीं है कि कैंसर नहीं है। सो PSA कैन ऑलवेज राइज एंड ऑल्सो राइज इवन वेन देर इज अ कैंसर, बहुत हाई ग्रेड कैंसर में PSA राइज ही नहीं कर पाता, याद रखिएगा। PSA एक सरोगेट मार्कर है, PSA एक ऑर्गन स्पेसिफिक मार्कर है, वो नेसेसरली कैंसर प्रोस्टेट की मार्कर नहीं। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि मैंने बताया था कि प्रोस्टेट ब्लैडर के पीछे होता है, नीचे होता है, तो ये है ब्लैडर, तो इसके नीचे है प्रोस्टेट। प्रोस्टेट का काम है कि अगर वो बढ़े तो कहीं भी बढ़ सकता है, उसकी अनुमति आपने नहीं दी है। लेकिन ये देखिए, आपको मैं लेफ्ट साइड, जो आपका लेफ्ट साइड जिसमें एक रेड कलर की मार्क की हुई है, उसमें आप देखेंगे प्रोस्टेट बिल्कुल ब्लैडर के अंदर बढ़ रहा है। ये जो सफेद सा अंग है जिसको मैं अभी मार्क करता हूँ, ये जो सफेद सा अंग है जिसको मैंने अभी मार्क किया हुआ है, ये प्रोस्टेट का अंग है, इसे ब्लैडर के नीचे रहना चाहिए था। ये जो काला सा एरिया जिसको मैं अभी मार्क कर रहा हूं, ये काला सा एरिया, ये यूरिन है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपके सोनोलॉजिस्ट सोनोग्राफी कर रहे हैं और इस ब्लैडर की विंडो के झरोके के थ्रू प्रोस्टेट को देख रहे हैं। तो देखिए, एक सोनोलॉजिस्ट ने सोनोग्राफी की मशीन यूज की और सोनोग्राफी कर रहे हैं, आपका ब्लैडर पार्शियली भरा हुआ है, उसके थ्रू प्रोस्टेट को देख पा रहे हैं और ये सोनोग्राफी की इमेज है। तो इसमें ये जो ब्लैडर है, ये पूरा ब्लैडर है, ये काला काला सा सब यूरिन है और इसके थ्रू देख रहे हैं आप प्रोस्टेट ब्लैडर के अंदर बढ़ गया। तो प्रोस्टेट यू अंदर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो अपने में एक बहुत मुश्किल की बात है, अंदर बढ़ रहा है तो इसे कैसे वापस कैसे भेजा जाए, इसे वापस भेज नहीं सकते। राइट साइड में जो इमेज आपके लिए है, जिसमें एक सफेद सा चित्र देख रहे हैं आप, ये सफेद सा यूरिनरी ब्लैडर है, ये एक कॉन्ट्रास्ट फिल्म है, जैसे कॉन्ट्रास्ट भरा हुआ है, तो ब्लैडर में सिर्फ इतना ही कॉन्ट्रास्ट भर पा रहा है। क्यों? नीचे जो सफेद सी मार्किंग की हुई है वो प्रोस्टेट है, ये सफेद सी जो मार्क है वो प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट बिल्कुल ब्लैडर के अंदर तक जा चुका है, तो ब्लैडर बिल्कुल इंडेंट हो चुका है। ब्लैडर आपको अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है, वो सफेद सा जो मैंने एनोटेट किया है, और ये सफेद सा बड़ा सांग प्रोस्टेट है जो ब्लैडर के अंदर बढ़ रहा है। तो प्रोस्टेट बढ़ते बढ़ते वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है, इसे हम कहते हैं मीडियन लोब एनलार्जमेंट। हमने आपको दिखाया था उन चित्रों में शुरू में कि प्रोस्टेट दोनों साइड से बढ़ सकता है या अंदर आके बढ़ सकता है, तो ये अंदर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसकी एक एक्सरे और सोनोग्राफी की इमेज है। तो ये जानना है, ये कंप्लेन आप तभी करेंगे तभी आप डॉक्टर के पास पहुंच पाएंगे, आपका पेशाब खुल के नहीं आ रहा, रुक रुक के आ रहा, बिकॉज ये पूरा इस तरह से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा यूरोफ्लोमेट्री, मैंने इसे एक नाम दिया है ECG ऑफ द ब्लैडर, जैसे आप हार्ट के लिए ECG करते हैं, वैसे ही ब्लैडर के लिए आप एक टेस्ट करें। आपका ब्लैडर एक अनूठा अंग है, एक बार कमजोर हो गया तो फिर स्ट्रांग नहीं बनेगा, आपके बाल एक बार सफेद हो गए तो वापस काले नहीं बनेंगे। तो ECG ऑफ द ब्लैडर, जैसे मैं अपनी भाषा में अनुवाद करता हूँ, इसे यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। यूरोफ्लोमेट्री साहब वो टेस्ट है जो आप एक स्पेशल टॉयलेट में यूरिन पास करते हैं जिसमें कंप्यूटर लगा है। इस रूम के बाहर वो टॉयलेट है जहां मरीज सुबह से शाम तक जाकर के और फुल ब्लैडर में यूरिन पास करते हैं और हमें पता चल जाता है कि यूरिनरी फ्लो उनकी ऐसी है या वैसी है। ऐसी मतलब कैसी? वो काली सी जो मार्क दिख रही है आपको, बिल्कुल फराटेदार यूरिन आ रही थी बचपन में जिसमें हम दीवार तक यूरिन पास करते थे, वो जमाना गया। अब जो हमारे पास आते हैं वो नॉर्मली देर से आते हैं और हर मरीज अनफॉर्चुनेटली देर से आता है। आज हम बहुत लोगों को जागरूक कर रहे हैं इस शहर में, जहां अंधेरी, गोरेगांव और सेंटा क्रूज और बांद्रा जैसे जगह में और वर्सोवा में जैसे बहुत से बुजुर्ग लोग रहते हैं, वो अपने को टालते रहते हैं, और उनके लिए बहुत ही एक वेकअप कॉल है कि अगर आपको यूरिनरी कंप्लेंट है, आपके यूरोलॉजिस्ट के पास है, जो भी आपके यूरोलॉजिस्ट है, इस शहर में 250 यूरोलॉजिस्ट हैं और वो सब कुछ वो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम उन सबको सलाम करते हैं। हम सब एक सोसाइटी के अंदर
बंधे हुए हैं हमारी अपनी रूल्स और रेगुलेशंस और हिपोक्रेटिक ओथ होता है। मैं मुंबई यूरोलॉजी सोसाइटी का एक अभिन्न अंग हूँ, जैसे हमारे कलीग्स डॉक्टर बिजॉय, डॉक्टर इस्माइल। वैसे यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, जहाँ हमारे अपने रूल्स है, प्रैक्टिस पैटर्न है, एविडेंस है, और जहाँ हमारा आदान प्रदान होता है और हम एक्सपीरियंस और कॉम्प्लिकेशन और डिस्टर्बेंस शेयर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके यूरोलॉजिस्ट आपको टाइम पे देखे। तो अगर आपने देखा, ये यूरोफ्लोमेट्री है, ये वो डिवाइस है जिसके अंदर आप जब यूरिन पास करते हैं फुल ब्लैडर में, तो ये एक यूरोफ्लोमीटर में एक ग्राफ निकल आता है। ये ग्राफ एक स्ट्रिप होता है जो बहुत से हमारे मरीजों ने देखा है, वो बोला डॉक्टर साहब फ्लो अच्छी नहीं थी, फ्लो अच्छी हो गई, दवाई से अच्छी हो गई, ऑपरेशन से अच्छी हो गई, वगैरह वगैरह। ये फ्लो घटती जा रही है, मतलब रास्ता बंद होता जा रहा है और ऊपर ब्लैडर से किडनी तक सफर कर रहे हैं। हम गौर कर रहे हैं ईसीजी ऑफ द ब्लैडर या यूरोफ्लोमेट्री पे फ्रेंड्स, और आपने देखा ये यूरिनरी फ्लो जो ब्लैक में है, मैं इसको अभी रेड में एनोटेट कर रहा हूँ, ये वो फ्लो है जो हम यंग एज में था, बिल्कुल खुल के आता था, फराटेदार आता था, और लास्ट में कुछ ड्रॉप ड्रॉप आया, फिर देखा तो सोनोग्राफी किया तो ब्लैडर पूरा खाली हो गया। तो सोनोग्राफी अपने सब कुछ नहीं बता सकती, यूरोफ्लोमेट्री वो बताती जो सोनोग्राफी नहीं बता सकती। सोनोग्राफी ने कहा ब्लैडर में कितना भरा था और लास्ट में कितना बच गया, लेकिन यूरोफ्लोमेट्री ने वो बताया जो आपकी ब्लैडर की धड़कन है, जो आपकी हार्ट की धड़कन है, जो ईसीजी बताती है, वो आपकी यूरोफ्लोमेट्री की टेस्ट बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट टेस्ट है और ये यूरोलॉजिस्ट के पास रहता है। मिसाल के तौर पर किसी और का फ्लो देखिए, जो उम्र के साथ साथ बुजुर्ग होते जा रहे हैं, प्रोस्टेट अंदर से ब्लॉक कर रहा है, बढ़ गया या नहीं बढ़ा, लेकिन रास्ते को धीरे धीरे ब्लॉक कर रहा है, उनको टाइम लगता है, धीरे 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 पास करते जाते हैं, ड्रॉप ड्रॉप पास करते जाते हैं। तो ये उनकी यूरोफ्लोमेट्री है जो 50 से 80 साल की उम्र में है, जो हमारे लिए मरीज है, प्रोस्टेट के मरीज है, बीपीएच के मरीज है, जिनको हम दवाइयों से ठीक करना चाहते हैं। तो मैंने कहा था नॉर्मल प्रोस्टेट जब इन्फ्लेम होगा, ये बिल्कुल नॉर्मल प्रोस्टेट है यंग मरीज का, और जब ये इन्फ्लेम होगा, इन्फेक्ट होगा, तो ये बिल्कुल बढ़ सकता है, और बढ़ सकता है कुछ समय के लिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन में, और ये आपको तंग कर सकता है। आपके कमेंट्स और आपके क्वेश्चंस वेलकम है, मैं बहुत से क्वेश्चंस ये आंसर कर रहा हूं, और कुछ और क्वेश्चंस जो बचेंगे उनको लास्ट में आंसर करने की कोशिश करूंगा। ये 105 साल के बाबा जी थे, 105 साल के, मैं ये बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये हम हमारे हॉस्पिटल और हमारी पूरी टीम के लिए, मैं हम कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा, हम मतलब हमारी एक टीम होती है, एक यूरोलॉजिस्ट, उनकी पूरी टीम, एनेस्थेटिस्ट जो एनेस्थीसिया देते हैं और ऑपरेट करने का मौका देते हैं हमें, और फिर पूरी टीम की सपोर्ट सिस्टम, मैनेजमेंट और सारे स्टाफ, नर्सेस वगैरह। ऐसे मरीज जो 105 साल के थे, उनको ऑपरेशन टेबल पे लिए, बिकॉज उनका पेशाब का रास्ता बंद पड़ा हुआ था, प्रोस्टेट बड़ी हुई थी, ये आज से 5 साल पहले की कहानी है। इनको हमने ऑपरेट किया था 2016 में और इनका रास्ता बंद पड़ा हुआ था। तो उस उम्र में भी लोग ठीक होना चाहते हैं और ये भी ठीक होना चाहते थे। 5 साल बाद उनका इस लॉकडाउन में देहावसान हुआ और अब वो नहीं रहे। बताने के लिए कि 105 साल में भी वो बिल्कुल ठीक हो गए और बिल्कुल हर साल आके ठीक होते थे और हर साल आकर के यहाँ यूरोफ्लोमेट्री करके हमें दिखाते थे कि संजय सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो ये गर्व होता है कि मेडिकल साइंस इतनी प्रोग्रेस हो चुकी है कि हम बिल्कुल बुजुर्ग हो जाएं और जब उस कगार पे भी हो तब भी आप ठीक हो सकते हैं। ये बशर्ते ये डिपेंड करता है कि आप कितने केपेबल हैं और कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। तो हमारे लिए जरूरी है बात करना, जिसमें हम बात कर रहे हैं, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है, जिसमें पेशाब खुल के नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंटली यूरिन जाना पड़ रहा है बिकॉज ब्लैडर बार बार कॉन्टैक्ट कर रही है, यूरिन ड्रिबल होता है, पूरा खाली नहीं होता है, एक अर्जेंसी रहती है, कहीं भी यूरिन पास करना पड़ता है, भागना पड़ता है और ये कंट्रोल हो नहीं पाता है और लीकेज ऑफ यूरिन हो जाती है। अनिल गनपोट साहब, आपके क्वेश्चन बहुत ही जोरदार है, मैं इस क्वेश्चन को बाद में गौर करूंगा, डायबिटीज और हाइपरटेंसिव पेशेंट, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, मैं इसमें आना चाहता हूँ। तो मैं फ्रेंड्स जो लोग देर से ज्वाइन किए उनके लिए बात कर रहा था, प्रोस्टेट वो ऑर्गन है जिसकी ब्लॉकेज के बाद इस तरह की चीजें होती हैं, जिसमें इंटरप्टेड स्ट्रीम है, यूरिन खुल के नहीं आ रहा है, सडन अर्जेंसी होती है बिकॉज ब्लैडर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर दिया है, ब्लैडर आपकी बात नहीं मानता है, फ्रीक्वेंसी होता है, रात को बार बार जाना पड़ता है, हेजिटेंसी होती है, हेजिटेट करता है, ब्लैडर पुश नहीं कर पाता बिकॉज ब्लैडर को प्रेशर बढ़ाना पड़ता है, और ट्रबल होता है शुरू करने में, ट्रबल होता है खाली करने में, बहुत समय लगता है, जैसा आपने यूरोफ्लोमेट्री के ग्राफ पे देखा। जब इन्फेक्शन होता है तो पेन और जलन भी होती है, कभी कभी खून दिखता है पेशाब में और सेमन में, और कभी कभी ये दर्द इतना होता है कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ तो नीचे के पेट में दर्द हो रहा है, पीछे तक दर्द हो रहा है बिकॉज किडनी तक पेशाब हो गई। अगर साइलेंट किडनी फेलियर हो रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और डिजीनेस और एनीमिया होती है, पता चला आपकी क्रिएटिन टेस्ट की और किडनी फेल हो गया बिकॉज इतने सालों से, इतने महीनों से ब्लॉक पड़ा और आप इसे अनदेखा कर रहे हैं। तो प्रोस्टेट की साइंस और सिम्टम संक्षेप में ये है, जिसमें आपकी प्रोस्टेट बढ़ रही है या नहीं भी बढ़ रही है तो अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रही है। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपकी प्रोस्टेट की साइज इतना मायने नहीं रखती मेरे लिए। एक 20 ग्राम का प्रोस्टेट भी अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर सकता है और एक 200 ग्राम का प्रोस्टेट भी शायद रास्ते को ब्लॉक न करे, तभी तो वो 200 ग्राम का हो गया, हमें आपको तंगी नहीं हुई, हमारी फ्लो अच्छी थी। तो कहने का मतलब है कि हार्मोन रिलेटेड चेंज के द्वारा एक प्रोस्टेट, एक पेशाब के रास्ते को, जिसको बचपन में कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू बिल्कुल खुला पड़ा था, वो हार्मोन चेंज के द्वारा 40-50 साल की उम्र के बाद चेंजेस आता है।
जितने मरीज 40 से 50 साल की उम्र में अपने फादर और ग्रैंडफादर को लेके आते हैं, जब वो ये कहानी सुनते हैं तो खुद जग जाते हैं और खुद भी अपनी यूरोफ्लोरोमेट्री और टेस्ट कराते हैं। तो मेरा मेरा ये कहना है कि स्टिच इन नाइन टाइम सेव्स नाइन, मतलब आपने कुछ अगर पहले और टाइम पे किया तो शायद फ्यूचर में शायद सफर नहीं करना पड़ेगा। तो हर डॉक्टर आपको यही बोलता है कि आप देर से आए, आप जल्दी आए होते, आप पहले आए होते, ये मौका किसी को न दे किसी और दे। ये और बात नहीं है कि हम सब बीमार होना चाहते हैं, पर हम पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हमारे कलीग जनरल प्रैक्टिशनर्स फिजिशियंस जो आपको देखते हैं और आपको हेल्प करते हैं और जो आपको दवाइयां देते हैं, वो भी जानते हैं और वो भी आज इस मंच पे हैं जो सुन रहे हैं, और वो हमारे बहुत बड़े भागीदार हैं। उनका बहुत आभार है कि वो आपको टाइम पे पकड़ पाते हैं। हर कोई यूरोलॉजिस्ट के पास शायद पहुंच नहीं पाता है, लेकिन आज सबको फाइनली ये सब टेस्ट के द्वारा और ये सब अपनी कहानी के द्वारा ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ये बताया था जिन लोग लेट से ज्वाइन किए कि प्रोस्टेट यूरिनरी पैसेज के बीच से जा रहा था, और ये उसका एक एक एग्जांपल है कि बहुत छोटा सा प्रोस्टेट भी रास्ते को अंदर से ब्लॉक कर सकता है, और प्रोस्टेट बहुत बढ़ गया लेकिन रास्ते को उसने ब्लॉक नहीं किया तो पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होगा। तो बहुत बार लोग आके बोलते हैं जी मैं अगले हफ्ते 4 बजे शाम को जब बात करूंगा तो बताऊंगा। मेरा भाई 70 साल का है और उनका प्रोस्टेट सिर्फ 20 ग्राम का है। मैं 50 साल का हूँ, मैं 55 साल का हूँ और मेरा प्रोस्टेट 50 ग्राम का कैसे हो गया, ये लोग मेरे को पूछते हैं। तो मैंने कहा इसमें आपकी गलती नहीं है, आपकी बॉडी की चेंजेस हो रही है, उन चेंजेस के द्वारा आपके हार्मोन की चेंजेस आपके प्रोस्टेट को चेंज ला रही है। तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बूढ़ा हो गया तो उसका प्रोस्टेट बहुत बढ़ जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि बहुत जवान है उसका प्रोस्टेट बहुत छोटा रहेगा। प्रोस्टेट की एक साइज की मेजरमेंट होती है, वो अपने को एक एंगल बताती है, पर वो एंगल सबसे इंपॉर्टेंट एंगल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल आपके पास है, डॉक्टर के पास नहीं है, यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं है। कौन सा एंगल आपके पास है? वो एंगल है जिसमें आप अपने डॉक्टर को बताते हैं कि मेरा पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, खाली नहीं हो रहा है, जोर लगाना पड़ रहा है और ड्रिबल होता रहता है और कभी लीक हो जाता है। जब आपने ये अपने डॉक्टर को बताया, वो उसको ट्रांसलेट करके वो सब टेस्ट करेंगे जो चेस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बताने के लिए कि ये कॉम्प्लिकेशन तभी होते हैं जब आपने डिले किया, आपने इग्नोर किया, या डिजीज एडवांस हो गई आपको पता नहीं चला। वो कौन से कॉम्प्लिकेशन है? हेमाचूरिया, पेशाब में खून जाना, या फिर आप कार्डियक पेशेंट है और आप ब्लड थिनर्स खा रहे हैं, या आपका प्रोस्टेट बहुत बड़ा है और बड़े हुए प्रोस्टेट में ब्लड सप्लाई बहुत स्ट्रांग होती है, या फिर आप बहुत कॉन्स्टिपेटेड है। बुजुर्गों में कॉन्स्टिपेशन और पीकू होना भी एक अनफॉर्चुनेट बीमारी है, और कॉन्स्टिपेशन न होने दें। यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब बंद हो जाना, ये भी कॉम्प्लिकेशन है एडवांस्ड इग्नोर्ड स्टेजेस में। पेशाब धीरे धीरे बंद होता 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 आप उसको भूलते गए और ब्लैडर बिल्कुल भरा हुआ है। एक्यूटली बंद होगा, बिल्कुल एक्यूट, 6 घंटे से पेशाब नहीं हुआ, 12 घंटे से पेशाब नहीं हुआ, इमरजेंसी में जाओ, वो संडे हो, रात हो, 12 बजे, या फिर पेशाब धीरे धीरे घटता जा रहा है डॉक्टर साहब, और पता चला कि ये ब्लैडर तो बिल्कुल प्रेग्नेंट पड़ा हुआ, ये ब्लैडर तो बिल्कुल भरा हुआ है। पता चला कि ये ब्लैडर इतना भरा हुआ कि सोनोग्राफी में दिखता है और एग्जामिन करते हुए दिखता हुआ, सोनोग्राफी के तो किडनी तक पेशाब जा चुका है। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वो होता है जिसमें यूरिन अगर जमा रहा है, कोई नाला अगर जमा रहा है तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। तो अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कल्चर मीडिया होता है बैक्टीरिया के लिए, और इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन औरतों में बहुत ज्यादा होता है, और आज शाम को 5 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल से औरतों के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर आज पुरुषों के लिए अगले कुछ मिनटों में ये बात करना जरूरी है कि अगर ब्लैडर खाली नहीं हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहा हूँ, किडनी की नहीं, तो वहां पे अगर यूरिन जमा रहता है तो यूरिन में सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट्स होते हैं, तो वो सॉल्यूट्स जम के फिर स्टोन बना सकते हैं। तो ब्लैडर में बहुत से स्टोन्स बनने के चांसेस है, किडनी के स्टोन्स अलग होते हैं। यूरेनिया या किडनी फेलियर एक एडवांस स्टेज है, और फाइनली जो सबसे दुख की बात है वो है वीक ब्लैडर या हाइपोटोनिक ब्लैडर। अनिल गनपोट साहब, आपका जो क्वेश्चन है उसके बारे में आंसर करना चाहता हूं मैं यहां पे, बिकॉज वीक ब्लैडर तभी होता है जब हमने उसको अनदेखा किया। मैंने बताया था अगर आप अपने ब्लैडर को स्ट्रेच करते हैं, और इस शहर में वसई या विरार से अगर आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे चले और नरीमन पॉइंट तक जाना चाहते हैं और ब्लैडर भरा है उसको स्ट्रेच करते जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? अपने कंप्यूटराइज्ड इलास्टिक ऑर्गन को बिल्कुल स्ट्रेच करते जा रहे हैं, और फिर ये ऑर्गन वापस लौट नहीं पाएगा। एक बार आपका बलून फुला करके उतना एयर भरा फिर भूल गए, तो फिर उसको खाली नहीं किया टाइम पे, तो फिर वो बलून बिल्कुल शिथिल और कमजोर और बिल्कुल इनास्टिक हो जाता है। एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल जो मैंने कुछ समय पहले बर्थडे के बारे में दिया था। तो वीक ब्लैडर या हाइपोटोनिक ब्लैडर एक बार वीक हो गया तो फिर वो यूरिन पुश ही नहीं कर पाएगा। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो कैसे मोशन आता है? इंटेस्टाइन पुशिंग करती, आपका पेट जोर लगाता है और तब आप मोशन पास करते हैं। इस तरह से आपको हर्निया बनता है वगैरह वगैरह की कॉम्प्लिकेशन होती है। हर्निया भी ये बुजुर्गों में एक तरह की कॉम्प्लिकेशन है, प्रोस्टेटाइटिस की, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की, जिसमें आप स्ट्रेन करे जा रहे हैं और वो कमजोर हर्नियल पॉइंट्स या इंग्विनियल पॉइंट्स होती है जहां से इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आके हर्निया बन जाते हैं। ये यंग लोगों में हर्निया के कारण अलग होते हैं, लेकिन बुजुर्गों में स्ट्रेन करते करते कॉन्स्टिपेशन के लिए, स्ट्रेन करते करते यूरिनरी पैसेज के लिए कभी कभी ब्लैडर में हर्निया बन जाते हैं, जिसकी भी ऑपरेशन साथ होती है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि हर्निया के ऑपरेशन पहले आपने करा ली और यूरिन के बारे में सोचा नहीं तो हर्निया वापस आ सकता है और यूरिन की प्रॉब्लम पड़ सकती है। ये जरूरी है जानना कि कॉम्प्लिकेशन तक जाने न दें।
आपके फैमिली में, आपके नेबरहुड में या आपके टीम में कोई ऐसा है जिसको पेशाब में जलन हो रही है, खून हो रहा है, खुल के नहीं आता, रुक रुक के आता है, और अल्ट्रासाउंड में कुछ इमेजेस ऐसे आए जो बिल्कुल डरावने हैं, या फिर किडनी फेलियर की तरफ गुजर रहे हैं, तो ये जानने की जरूरत है। क्योंकि अनिल जी ने ये पूछा था डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के प्रिकॉशंस क्या है, मैं बोलूंगा ये दो लाइफ स्टाइल डिजीजेस है आज के जमाने में, और कोरोना टाइम्स में जब अपने बॉडी को आप इतना अच्छा पहचान चुके हैं, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, अपने ब्लड प्रेशर के लिए ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, और आप सब वापस वर्ल्ड योगा डे के द्वारा योगा में घुस रहे हैं, इस तरह से अपनी बॉडी के बारे में ख्याल रख रहे हैं, बहुत जरूरी है डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को अनदेखा न करें। ये दोनों बीमारियां आपके साथ आपकी जिंदगी भर रहने वाली है। एनीबॉडी हु इज अ डायबिटिक और हाइपरटेंसिव इज फॉर लाइफ, अनलेस आपकी डायबिटीज के लिए पैंक्रियाटिक ट्रांसप्लांट नहीं होता, आप पूरी जिंदगी डायबिटिक रहेंगे। भले ये हो सकता है कि बहुत ही अच्छी कंट्रोल आई तो आपके डायबिटीज से कुछ दिन आपकी दवाई बंद कर दी, आपको डाइट थेरेपी पर रखा, एक्सरसाइज पर रखा, लेकिन वंस अ डायबिटिक पेशेंट ऑलवेज अ डायबिटिक पेशेंट, वंस अ स्टोन फॉर्मर ऑलवेज अ स्टोन फॉर्मर, वंस अ हाइपरटेंसिव ऑलवेज अ हाइपरटेंसिव। सो उनके लिए प्रिकॉशंस है, अगर आप डायबिटिक और हाइपरटेंसिव है, जो शायद सैडली एक तरह का गिफ्ट है जो उम्र के साथ साथ जुड़ती जाती है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू है जिसमें हम लोग अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, अपनी दवाइयां टाइम पे नहीं खा रहे, अपने बॉडी के बारे में ख्याल नहीं कर रहे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये मुश्किल हो सकती है। तो बहुत जरूरी है हर डायबिटिक इंडिविजुअल, हर हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल, जो हाइपरटेंसिव और डायबिटिक है, अपनी दवाइयां टाइम पे लें, अपने डॉक्टरों से जो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के डॉक्टर हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, जो बहुत रेस्पेक्टेड कलीग्स हैं मेडिकल फैकल्टी के, उनसे मिलते रहें, अपने शहरों में उनकी दवाइयों की चेंजेस की जाती है। आपने आज दवाई ली तो 10 साल तक वही दवाई नहीं खा सकते, आपकी दवाइयों की चेंजेस होती है हर महीने, हर 3 महीने, हर साल, वो आपके डॉक्टर पर डिपेंड करते हैं, जैसे थायराइड की दवाइयों की चेंजेस होती है। तो जरूरी इसलिए है कि अगर आपने दिखाया तो आपकी कंट्रोल रहती है, अगर आप कंट्रोल में रहें तो आपके एंड ऑर्गन डैमेज नहीं होते। क्योंकि आपने ये पूछा है, याद रखिएगा, डायबिटीज 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को अफेक्ट करता है, वैसे पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन जिसके बारे में आप जानते हैं, उसमें एक किडनी है, किडनी के इफेक्ट ग्रेजुअली होती है अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं है या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज है। हाइपरटेंशन भी आपके डायबिटीज, आपकी किडनी को अफेक्ट करता है और आपकी आंखों को अफेक्ट करता है। तो इसे हम कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, इसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, नेफ्रो मतलब किडनी, तो आपकी किडनी डैमेज हो रही है तो उसे डैमेज क्यों होने देना। अगर हम अपने डायबिटीज कंट्रोल करते, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते, तो हमारी किडनी इंडिपेंडेंटली डैमेज नहीं होती। सिमिलरली आंखों की डैमेज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की कंट्रोल ना आने से क्या कहते हैं, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। आंखें खराब हो रही है, आंखों में चश्मा नहीं लगेगा, आंखें बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगी, तो ये होने ना दें, ये डायबिटिक लोगों में होता है। तो डायबिटीज आंखों को तंग करता है, ब्लड प्रेशर आंखों को तंग करता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर किडनीज को तंग करती हैं। कृपया अपने डायबिटीज की कंट्रोल इतनी अच्छी रखें कि मुश्किल ना हो। डायबिटिक पुरुष और डायबिटिक स्त्री इन्फेक्शन के कगार पे बैठे रहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो डायबिटीज और अगर हाइपरटेंशन कंट्रोल्ड है तो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन, हाइपरटेंशन नहीं, डायबिटीज अगर कंट्रोल में है तो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस कम है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है तो आपकी यूरिनरी इन्फेक्शन के चांसेस कम है, आप अपने सिस्टम को जरा दुरुस्त रख पाएंगे। तो कॉन्स्टिपेशन से निकलना हर बुजुर्ग का जरूरत है, वो साग सलाद सब्जी ज्यादा खाएं या इसबगोल लें या नेचुरलैक्स लें या लूज लें या क्रिमेफिन प्लस लें, दवाइयां लें और दवाइयां हर दिन लें, कोई दवाई की साइड इफेक्ट नहीं होती है, लेकिन अपने आप को नेचुरल सिस्टम में ढलें। तो अगर साग सलाद सब्जी खा सकते हैं, रफेज ज्यादा है तो मोशन खुल के आएगा, मोशन बहुत बार खुल के आएगा तो शायद यूरिनरी ट्रबल उतनी नहीं होगी, बिकॉज आप बॉर्डर लाइन, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका सबसे इंपॉर्टेंट अंग था हाइपोटोनिक ब्लैडर या हाइपोट्रैक्टाइल ब्लैडर में, अनिल हेल्पोन साहब, डायबिटीज अगर कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज अगर लॉन्ग स्टैंडिंग है, आपकी ब्लैडर कमजोर हो सकती है। इससे दुख की बात क्या हो सकती है, अगर आपका ब्लैडर ही कमजोर हो गया तो आपकी बॉडी जितने भी स्ट्रांग हो और आप जितने भी कोट पहन ले और जितने भी स्मार्ट दिखे, आपकी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन करके यूरिन पास ही नहीं करती, कैसे यूरिन आ रहा फिर आपके बदन से। आप अपने पेट से ब्लैडर को पुश करते हैं और तब ब्लैडर पुश करती है यूरिन को। आप रूम से नहीं जा रहे, मैं आपको धक्का दे रहा हूं और फिर आप धक्के के द्वारा बाहर जा रहे हैं, आप खुद चल के नहीं जा रहे, तो ये ना होने पाए। तो मेरा ये मानना है कि हर डायबिटिक पेशेंट जिसकी डायबिटीज बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग है, हर डायबिटिक पेशेंट जिसकी डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, उसका ब्लैडर कभी ना कभी गड़बड़ हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम होने न दें। तो हर डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो बिल्कुल अपने आप को समझे, अपने डायबिटीज कंट्रोल में रखे, अपने डायबिटोलॉजिस्ट से मिले। तो मेडिकल मैनेजमेंट में आप कभी भी गायब नहीं हो सकते। मेडिकल मैनेजमेंट किसी भी बीमारी के लिए ऐसी होती है जिसमें आप कभी भी गायब नहीं हो सकते। राजकुमार, आई कम टू यू, आई विल कम एंड टॉक टू यू। तो राजकुमार, मैं आपको जो बता रहा हूँ यही बता रहा हूँ कि ये होने ना दें, अपने डॉक्टर के पास टाइम पे मिले। आपको पता है ये जो चाबी है, द की टू लाइफ इज विथ यू, ये सिर्फ आपके पास है, ये आपके डॉक्टर के पास है, हॉस्पिटल के पास या हमारे सरकार के पास नहीं है। आपकी जिंदगी की चाबी आपके पास है, आपको कंप्लेन करना है या आपको अपने सिम्टम्स के बारे में टाइम पे जानना है। आज एक जागरूकता है उन लोगों के लिए जो बीमार नहीं है, पर आपके फैमिली में, आपके रिलेशन में, आपके मित्रों में और आपके इतने बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप्स में
जो भी बीमार है या जो भी इन चीजों से गुजर रहा, उनको ये सुनने की जरूरत है, उनको ये जानने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग सुन रहे हो, जितने भी लोग ये सुने आने वाले टाइम में, वो बीमार ना होने पाए, बिकॉज वो अपनी प्रॉब्लम को टाइम पे पकड़े और अपनी यूरोलॉजिस्ट के पास जाए। इस शहर में और सारे शहरों में यूरोलॉजिस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं, प्रोवाइड आप टाइम पे हैं। देर से आने का उसूल वही होता है कि उसकी ट्रीटमेंट उतनी हो पाती। तो ये बहुत जरूरी था, ये बहुत जरूरी था जगाना, क्योंकि मैं कहता हूँ कि हर मरीज बेचारा देर से ही आता है। वो पेशाब में जब खून जाता है तभी आता है, वो भी एक दो बार खून गया बंद हो गया तो शायद 6 महीने भूल गए, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, हम डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। यूरिन पेशाब ब्लॉक हो गया तो एक बार पाइप डाल के फिर पाइप निकाल दिया, क्यों निकाला भाई, पेशाब बंद ही क्यों, पेशाब बंद ही नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो उसके कारण तक जाना पड़ेगा। आपको बताना चाहता हूँ कि एक यूरोलॉजिस्ट मेरे जैसा, वो धुएं की और आग की ट्रीटमेंट नहीं करता, वो आग क्यों लगा उसकी ट्रीटमेंट करता है। धुआं तभी आया बिकॉज आग जल रहा है, और आग जला क्यों वो जानने की जरूरत है, वो तभी जला बिकॉज आपने देर कर दी। सो स्टोन फॉर्मेशन इन द ब्लैडर, किडनी फेल नहीं होना, ब्लैडर को वीक नहीं होने देना, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन नहीं होने देना, और हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मिलना, ये पूरा उसूल है जो आप फॉलो करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ शब्दों में, हम संक्षेप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की तरफ मैं गौर करना चाहता हूँ। हम जब 20, 30, 40, 50 साल के होते हैं तो हम आराम से रात को खर्राटे लेके सो रहे होते हैं। ये आपको सुनने की जरूरत है, ये हमारा बिल्कुल पैशन है जो हम परस्यू कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, और मैं इसको बहुत ऊंचे लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम आपके घरों में आने की कोशिश कर रहे हैं आपको जगाने के लिए, ये जो इतनी इंपॉर्टेंट इश्यू है जिसे हम रात को बार बार जगना पड़ता है, ये शायद 20, 30, 40 साल में इतनी नहीं होती जितनी 50 साल के बाद 60, 70, 80, 90 साल की उम्र में होती है। मैं क्या कह रहा हूँ, बुजुर्गों में रात को पेशाब ज्यादा बनता है और बुजुर्गों में रात को नींद कम रहती है। जब आप 20, 30, 40 साल के थे तो आप रात को खर्राटे लेके सोते थे, रात को सोते थे तो सुबह उठते थे, है ना। लेकिन जब आप 50, 60, 70, 80 साल के हैं तो आप रात को आंखें बंद करते हैं और बेड में टॉस करते रहते हैं, कभी लेफ्ट और कभी राइट, कभी दाहिनी और कभी बाएं सोते रहते हैं, और फिर जब चिड़िया जब जगाती है तो आप 4 बजे जग जाते हैं बिकॉज आपको नींद ही नहीं आती। तो कहने का मतलब ये है कि बुजुर्गों में नींद बहुत शिथिल होती है, छोटे बच्चे 20 घंटे सोते हैं और बुजुर्ग लोग 20 घंटे जगे रहते हैं, ये एक्चुअली सच्चाई होती है। ये हार्मोन की चेंजेस है, ये हर बुजुर्ग, हर पुरुष और स्त्री इसके बारे में एक्चुअली सफर कर रहे हैं। हम सोते रहते हैं और हमारे फादर और हमारे ग्रैंडफादर रात भर जगे रहते हैं, और अगर जगे रहते हैं और रात को पेशाब ज्यादा बन रही है तो क्या करेंगे, टॉयलेट बार बार जाएंगे। इसे हम कहते हैं नॉक्ट्यूरिया, वो शब्द वहां ऊपर लिखा हुआ है बाएं तरफ। ये एक एडिटोरियल था जो हमने 2017 में छापा था लोगों को जगाने के लिए, जैसे हम आप सबको आज जगा रहे हैं, 2017 में आज से 3 साल पहले की बात है, 3.5 साल पहले हम लोगों को जगा रहे हैं कि रात को बार बार यूरिन जाना और बेड में पेशाब करना ये बिल्कुल ट्रीटेबल है, तो अपने घर में क्यों बैठे, अपने डॉक्टरों से क्यों नहीं मिले। ये एडिटोरियल हमने थाने में, जो यहाँ से 2.5 घंटे का रास्ता है, जो इस शहर का एक अंग है, वो 2.5 घंटे का रास्ता है इस जमाने में, वहां छापा था एक मराठी डेली में इंग्लिश क्वेश्चन एंड आंसर। और मेरे को मालूम है कि अगले 4 दिनों में 9 ऐसे पेशेंट इस एडिटोरियल, इस पूरी न्यूज़पेपर की पेपर को लेके आ गए, बोले ये आपने क्या लिखा हुआ है डॉक्टर साहब, ये आपने क्या लिखा है कि रात को बार बार पेशाब जाना और रात को बेडवेटिंग होना, जो छोटे बच्चों में भी होता है और बुजुर्गों में भी होता है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम तो पिछले 5 साल से सफर कर रहे हैं और डॉक्टर को दिखा रहे हैं और हमें इसका रिजल्ट नहीं मिला। मैं कोई बात नहीं, हम आप में इंटरेस्टेड हैं, आपके घरों तक, आपके बेडरूम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रात को जगे रहते हैं वगैरह वगैरह। सो नॉक्ट्यूरिया, रात को बार बार पेशाब जाना, ये बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, ये डायबिटिक लोगों की प्रॉब्लम है। रात को पेशाब बार बार बुजुर्गों में इसलिए बनता है बिकॉज या तो वो डायबिटिक है, या वो बुजुर्ग हैं और उनकी नींद कम है, या रात को पेशाब ज्यादा बनता है। इसे हम कहते हैं नॉक्टुरनल पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया, पॉली मतलब ज्यादा, यूरिन बनना, पॉलीयूरिया, हम इसे गौर करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि नॉक्टुरिया के कारण क्या क्या है, रात को पेशाब बार बार क्यों बनता है। सबसे कॉमन कारण मैं बोलूंगा बुजुर्गों में, बाएं तरफ जो लाल में लिखा हुआ है, नॉक्टुरनल पॉलीयूरिया, एनपी। नॉक्टुरनल पॉलीयूरिया मतलब रात को ज्यादा पेशाब बनना, ये बनता है बिकॉज इसके बहुत से कारण है। हम सबसे पहला कारण जानना चाहते हैं कि आप शाम के बाद ये चाय, कॉफी, अल्कोहल, दूध पीते न रहे। मेरे को पता नहीं भारतीय लोग ये सब शाम के बाद क्यों शुरू कर देते हैं, भारतीय लोग रात को दूध पी के क्यों सोते हैं, दिन में क्यों नहीं दूध पीते आप, दिन में दो ग्लास दूध पी लीजिए, शाम को पीने की क्या जरूरत है। अब आप बुजुर्ग हो चुके हैं, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, डॉक्टर पांडे कह रहे हैं कि रात को पेशाब ज्यादा बनती है। अगर आप रात को फिर भी 5 बार उठना चाहते हैं और 8 बार उठना चाहते हैं और दिन में आपकी नींद गड़बड़ है या आप काम नहीं कर पा रहे, तो वो अलग बात है क्योंकि आपकी आदत हो चुकी है। लेकिन शाम के बाद अगर आप चाय, कॉफी, अल्कोहल लेते हैं, ये सब डायुरेटिक्स होते हैं। डायुरेटिक मतलब जो किडनी को चाबुक मारता है और पेशाब ज्यादा बनाता है। एक ग्लास चाय पियेंगे तो शायद 1 बाल्टी पेशाब बनेगा, 1 ग्लास पानी पियेंगे तो शायद 1 ग्लास ही पेशाब बनेगा। कहने का मतलब है कि कुछ कुछ चीजें बहुत पेशाब बनाती है, ज्यादा पेशाब बनता है। चाय, कॉफी, अल्कोहल, दीज आर डायुरेटिक्स, ये इससे ज्यादा पेशाब बनती है। और अगर आप शाम रात को इसकी सेवन कर रहे हैं, एक तो आपकी नींद कमजोर है, दूसरा रात को ऐसे ही ज्यादा पेशाब बनता था, उसमें आपने ये सब चीज जोड़ दिया। तो मैं बुजुर्गों को बोलता हूँ, सब बुजुर्गों को बोलता हूँ अपने रूम में,
कि आप सब जैन बन जाइए, आप सब जैन बन जाइए, शाम के बाद खाना पीना जरा कम कर दीजिए, दिन में खूब खाइए पीजिए और ठीक ठाक रहिए अवेक आवाज में, और अंधेरे के बाद पानी और चाय और कॉफी और दूध अल्कोहल जरा कम कर दे पीजिए, ये आपके बस की बात नहीं। आप ये करेंगे तो रात भर जगे रहेंगे, अगले दिन सुबह जब आपको काम करना है, गाड़ी चलाना है, ड्राइव करना है और अपने ऑफिस में काम करना है, तब आपको नींद आ रही है, बिकॉज आपने रात को वो पूरी रिपेरेटिव साइकिल खत्म नहीं की। नींद का मतलब क्या है? नींद वो रिवोल्यूशन है जो आप रात को लेते हैं ताकि अगले दिन आप रिपेयर हो सके और रिपेयर होकर के अगले दिन आप लायक हो सके। तो हर दिन आप दिन भर आदमी काम करते हैं, रात भर आपकी बॉडी रिपेयर होती है और फिर सुबह आप फिर से पॉलिश होकर वापस जगते हैं। तो आपको अपनी बॉडी को रिपेयर करना जरूरी है। वो लॉकडाउन में तो हम आठ 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 कर रहे हैं, आठ घंटे सो रहे हैं, आठ घंटे काम कर रहे हैं और आठ घंटे खेल रहे हैं, जो हम सब कर रहे हैं, सीख गए। लेकिन ऐसे मैक्सिमम सिटी में जहां लोग कभी 20 घंटे भी काम करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि लोग अपनी दिनचर्या को फॉलो करें, ये बुजुर्गों के लिए बहुत जरूरी है। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बीपीएच, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। प्रोस्टेटिज्म और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का शायद पहला साइन है नॉक्टुरिया। बुजुर्ग लोग बोलते हैं मेरे को रात को बार बार पेशाब जा रहा है, ये हम आज 20 साल पहले बेली लव की किताब में पढ़ा करते थे, पर आई थिंक थोड़ी बहुत चेंजेस हो चुकी है। जैसे मैंने कहा लोग रात को पेशाब बार बार बनाते हैं, डायबिटिक लोग रात को पेशाब ज्यादा बनाएंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि बीपीएच बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया वो इंपॉर्टेंट शब्द है जो आप जाने। डेट्रूजर ओवर एक्टिविटी, ब्लैडर का बार बार कॉन्ट्रेक्शन करना, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कॉमन कारण वो हो सकता है जिसमें रास्ता बंद है, दरवाजा बंद है तो आप नॉक नॉक करे जा रहे हैं, तो ऐसी ब्लैडर की ओवर एक्टिविटी हो गई है। रिड्यूस ब्लैडर कैपेसिटी, ब्लैडर की कैपेसिटी जरा घट गई है, अगर कैपेसिटी घट गई है और आप बुजुर्ग हैं, आप एडल्ट हैं, तो आप इतना सारा पेशाब बनता वो रोक कहाँ पाएंगे, बार बार जाना पड़ेगा। याद रखिएगा नॉक्टुरिया, रात को बार बार पेशाब जाना हर समय यूरिनरी कंप्लेंट्स के कारण नहीं है। हम राइट साइड अगर देखें तो अनकंपेंसेटेड हार्ट डिजीज, बहुत बार हार्ट डिजीज के कारण रात को पेशाब ज्यादा बनता है, बहुत बार अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस डायबिटीज इंसिपिडस के कारण रात को पेशाब आता है। बुजुर्ग औरतों में एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हार्मोन चेंज के कारण आता है, जैसे पुरुषों में आता है। और मैंने लिखा है प्राइमरी पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया मतलब ज्यादा पानी पीना, आपको ज्यादा प्यास लगना, आप पानी पीते रहेंगे तो पेशाब कहाँ से आएगा, वहीं से आएगा और बार बार आएगा। और फाइनली जिनको रात को नींद नहीं आती, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, रात भर एंग्जाइटी में रहते हैं, नींद नहीं आ रही है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ऐसे लोगों के लिए उनके तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो रात को बार बार पेशाब आता है, तो मैं आपको क्यों जगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग खराटे लेते हैं और हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स रात को जगे रहते हैं, क्यों? इन सब कारणों के कारण। और 3 साल पहले हम लोगों ने इसको बहुत ही करीब से देखा, बहुत करीब से देखा। तो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम स्कोर। ये वो सिम्टम स्कोर है जो एक बुजुर्ग को, एक पुरुष को ये बताता है कि आप अभी कौन से लेवल पे हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड आप खुद ही बना सकते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उनकी सिम्टम्स ज्यादा हैं और यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर रेड्डीज लैब के रिप्रेजेंटेटिव्स हमें हेल्प करते हैं और आपके घरों तक भी बहुत बार पहुंचाते हैं। पर ये इंटरनेट पे है या आपके गूगल पे है, जहां के गूगल डॉक्टर्स आप बने हुए हैं वहां पे आप जाएं और इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम्स कोर्स या IPSS अगर आप टाइप करेंगे कैपिटल में IPSS इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम्स कोर्स, तो आप देख पाएंगे कि इंटरनेशनल प्रोस्टेट सिम्टम्स स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है। IPSS आपको बताता है कि आपकी स्कोरिंग क्या है, वो आपको स्कोर देने को मदद करता है। वो अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल है, वो हिंदी बंगाली तमिल सब में अवेलेबल है, तो आप पढ़ सकते हैं, अपने आप को हेल्प कर सकते हैं। तो प्रोस्टेट सिम्टम्स से आपको पता चलेगा मेरी सिम्टम्स ये है, मैं देखा कर रहा हूं, लेकिन जब मैं अपनी स्कोरिंग खुद करता हूं तो पता चलता अरे मैं तो बहुत आगे जा चुका। तो या तो माइल्ड सिम्टम्स होंगे या मॉडरेट होंगे या सीवियर होंगे। अगर सीवियर सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर ऑपरेशन की बातचीत शुरू करते हैं, मॉडरेट सिम्टम्स होते हैं तो डॉक्टर लोग आपको दवाइयां देते हैं, और माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो आपको जागरूक करते हैं, जैसे हम आपको जागरूक करते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि माइल्ड से मॉडरेट और मॉडरेट से सीवियर की तरफ न जाने पाए, तो अपने डॉक्टर के छाया में आप बिल्कुल वॉचफुल वेटिंग में रहें, वॉचफुल वेटिंग के द्वारा आपको देखते रहें कि आपके सिम्टम्स बढ़ने ना पाए। फ्रेंड्स, हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना चाहते हैं और मैंने बताया था प्रोस्टेटाइटिस की ट्रीटमेंट आपके यूरोलॉजिस्ट एंटीबायोटिक्स देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, आपकी यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव करते हैं, बिकॉज इन्फ्लेमेशन के कारण यूरिनरी फ्लो घट गया, इन्फ्लेमेशन के कारण आपकी पीएसए बढ़ गई है, ये कैंसर के कारण नहीं बढ़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पीएसए को उसके द्वारा आपके इन्फ्लेमेशन को कम करें। जैसे इन्फ्लेमेशन कम होगा, सूजन कम होगी, प्रोस्टेट की रास्ता वापस खुल जाएगा, पीएसए कम हो जाएगा, फ्लो अच्छी हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा। हम आज बात कर रहे हैं इलाज प्रोस्टेट, प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ में, तो प्रोस्टेट अवेयरनेस मंथ में इलाज प्रोस्टेट की क्या डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं। इलाज प्रोस्टेट या प्रोस्टेटिक ऑक्लूजन की दो तरह की ट्रीटमेंट होती है। अगर प्रोस्टेट यूरिनरी पैसेज को ब्लॉक कर रहा है, जो आपने ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग सिम्टम्स के द्वारा कंप्लेन किया, पेशाब खुल के नहीं आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, ड्रॉप ड्रॉप आ रहा है, बिल्कुल खाली नहीं हो रहा है और बहुत टाइम लग रहा है और शुरू नहीं कर पा रहे, तो उसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव वार्डिंग सिम्टम्स कहते हैं। उसके लिए हम आपको अल्फा ब्लॉकर्स देते हैं। अल्फा ब्लॉकर्स वो दवाई होते हैं जो आपकी भाषा में यूरिनरी पैसेज को रिलैक्स करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं तो यूरिन खुल के आता है।
यूरिन फ्रीली आता है, और इनके बहुत से नाम है, मैं आज नाम पे शायद गौर नहीं कर रहा, लेकिन जगा रहा हूँ कि आपके यूरोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है कि वो आपको कौन सा दवा दे। बहुत यंग लोगों की अलग दवा होती है, बुजुर्गों की अलग दवा होती है, बुढ़ापे में अलग तरह की दवा देते हैं, दवा की परिभाषा अलग होती है, उसकी डोज अलग होती है, वो अपने आप ही खुद खाते न रहें और 10-10 साल तक खाते न रहें, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। अगर आपकी फ्लो अच्छी नहीं है और दवाइयों से फ्लो इंप्रूव नहीं हो रही है, मतलब हम कुछ मिस कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इम्पोर्टेंट चीज है, प्रोस्टेट बढ़ रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है, आपके बाल पक रहे हैं, सब कुछ एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, क्या हम उसे रिवर्स कर पाएंगे? कभी रिवर्स नहीं कर पाएंगे। जो आज 70 साल का है, कल 80 साल का होगा और फिर 90 साल का होगा, वो हर साल सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट में अपना बर्थडे केक काटता रहेगा, लेकिन उम्र के साथ साथ अंदर जो चेंजेस हो रही है, उन चेंजेस को चेंज करने के लिए आपके यूरोलॉजिस्ट क्वालिफाइड है। ये जो इस तरह का आज एक इतना प्रोत्साहित ऑडियंस जो ये देख रहा है, वो जानता है कि हम आपकी उम्र तो कम नहीं कर सकते हैं, पर आपकी प्रोस्टेट को श्रिंक कर सकते हैं। और श्रिंक करने का मतलब है, अगर वो इतना बढ़ गया तो हम उसको इतना छोटा कर सकते हैं। वो छोटा करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप एडवांस कंडीशन में आते हैं जब हम आपको ऑपरेट करके अंदर से ही सब कुछ खाली कर देते हैं, या फिर उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि हम उसको दवाइयों से श्रिंक करें। तो दवाइयों से श्रिंक तभी होता है जब आप बिल्कुल एज पे आके फिसल ना जाए, आप उससे पहले आए। आपकी कंप्लेन है, आपकी सिम्टम्स को बताती है कि आपकी कंप्लेन सिग्निफिकेंट है, और लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं बताऊं आपको, 12 साल से मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल दीव में, हमारे हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, और यहां मरीज नेपाल से लेकर के तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर सब जगह से आते हैं, बहुत से कारणों से आते हैं। उनके बच्चे यहाँ काम कर रहे हैं तो इसलिए वो आते हैं उनसे मिलने के लिए और एक सेकंड ओपिनियन लेते हैं। बहुत बार लोग प्रॉब्लम में हैं और उनकी पेशाब बंद हो गई और पाइप लगा करके वो दिल्ली से और हैदराबाद से और कोचिन से पाइप लगा के वापस आते, तो गए थे किसी कारण से। तो कहने का मतलब है कि या तो आप टाइम पे आइए या फिर आप इमरजेंसी में आइए, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये जागरूकता आज इसलिए आपको जगाना कि प्रोस्टेट की ग्लैंड की साइज को हम श्रिंक कर सकते हैं। प्रोस्टेट क्या है? एक फाइब्रोमस्कुलो ग्लैंडुलर ऑर्गन है, इसमें फाइब्रस टिश्यू भी है, इसमें मसल्स भी हैं और इसमें ग्लैंड भी है। तो ग्लैंड की जो कंपोनेंट है जो बढ़ रही है क्योंकि अंदर में हार्मोन की चेंज हो रही है, उसे हम श्रिंक कर सकते हैं। हर प्रोस्टेट श्रिंक नहीं हो पाता, पर एनलार्ज प्रोस्टेट को श्रिंक करने की जो कैपेबिलिटी है वो आज की दवाइयों में है। ड्यूटास या ड्यूटास्टेराइड जो दवाई आती है, फिनास्ट्राइड जो पहले आती थी, ये दवाइयां बहुत अच्छी दवाइयों में मानी जाती है। इनकी थोड़ी साइड इफेक्ट तो होती है, पर साइड इफेक्ट को हम अपने स्ट्राइड में लेते हैं, बिकॉज हम मरीजों को बताते हैं आपके पास एक ही रास्ता है, हम इसे संभालना चाहते हैं। तो साइड इफेक्ट इतनी छोटी होती है जब आप उन्हें समझ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि 5-alpha reductase inhibitors वो दवाइयां हैं जो प्रोस्टेट को श्रिंक कर सकती है। मैं वो स्लाइड एनोटेट कर रहा हूं जिसमें मैं लिखा है प्रोस्टेट की पैसेज को हम श्रिंक कर सकते हैं। आज भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दाद देना पड़ेगा, बिकॉज वो एक तो दवाइयां इंडिया में टाइम पे ले आती हैं, दूसरा वो कॉम्बिनेशन थेरेपी बना पाती हैं जिसका खर्च बहुत नीचे लेवल तक आ पाता है। तो हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी यूरिनरी फ्लो को इंप्रूव कर पाए, जो मैंने पहले स्लाइड में बताया था, जिसे हम कहते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। और अल्फा ब्लॉकर्स वो दवाइयां हैं जो आपकी पेशाब की फ्लो को बढ़ाती हैं, और फिर 5-ARI inhibitors जिसे ड्यूटास्टेराइड, ड्यूटाज और फिनास्ट्राइड है, जो आपकी प्रोस्टेट को श्रिंक करती है। तो एक तरह तो पेशाब की फ्लो को बढ़ा रहे हैं, इस तरह प्रोस्टेट को श्रिंक कर रहे हैं, और इस तरह की दवाइयां अवेलेबल है। ये दवाइयां हम लिखते हैं, पर किसको लिखते हैं वो यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं, किसको लिखना है, कौन सी दवाई लिखना है, दवाई का इफेक्ट क्या हो रहा है उसको मरीजों की IPSS स्कोर से समझना है, उसको यूरोफ्लोमेट्री पे समझना है। अगर आप देर से आते हैं और आपका पेशाब बंद हो गया और आपकी रुकावट ज्यादा है और दवाइयां अगर काम नहीं आ रही हैं, तो दवाई जिंदगी भर खाते ना रहे। दवाई खाते रहे और आपको बुखार होता रहे तो फिर ये दवाई क्यों खा रहे हैं? अगर दवाई खा रहे हैं और दर्द फिर भी होता रहे, तो या तो ये दर्द इस दवाई से ठीक नहीं होने वाली, या फिर ये दवाई गलत है। मेरा कहने का मतलब है कि हर कोई एक ही झाड़ू से साफ नहीं हो सकता, हर कोई को एक ही ब्रूम से साफ नहीं कर सकते। हर किसी की दवाई अलग होती है, हर किसी की कंप्लेंट्स के आधार पर, उनके इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर दवाई लिखी जाती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपके डॉक्टर सही टेस्ट करें और सही तरह से आपको पकड़ पाए। तो ये बहुत जरूरी था आपको समझाना कि सर्जरी एक तरह का ट्रीटमेंट है जो बिल्कुल क्योर है। अभी तक हम आप ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे, हम आपकी बात सुन रहे थे, आपके इन्वेस्टिगेशंस कर रहे थे, आपकी जांच कर रहे थे और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जब तक ये सब कुछ कर रहे थे, हम आप और हम दोनों एक लूप में थे और अपनी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम दवाई से प्रोस्टेट की फ्लो, दवाई को यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करेंगे, हम प्रोस्टेट को श्रिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब कुछ एक दिन, एक घंटे, एक महीने में नहीं होता, ये सब कुछ ग्रेजुअल प्रोसेस है, जिसमें श्रिंक करने की जो प्रक्रिया वो 6 महीने से 6 साल तक लग सकती है। हम वो जब कर रहे हैं तब तक उम्र बढ़ती जा रही है और बॉडी दवाइयों को डिफीट करने की कोशिश कर रही है। तो ये बिल्कुल एक तराजू है जिसमें कश्मकश चलता रहता है और इसमें डॉक्टर और बीमारी की लड़ाई चलती रहती है और आप अपने आप को समय पे पेश करते रहते हैं। लेकिन जहां तक सर्जरी का सवाल, इसलिए कह रहा हूं बिकॉज ये बीमारी एक सर्जिकल बीमारी है। प्रोस्टेट की एनलार्जमेंट एक सर्जिकल बीमारी। आज से 25 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, हमारे टीचर्स हर किसी को ऑपरेट करते थे, उसमें हमारे पास कोई दवाइयां नहीं थी। तो आप सोचिए,
आप एक एम्बेसडर और फिएट के जमाने से आज मारुति के जमाने होते तक फरारी के जमाने में आ चुके हैं। आप उस जमाने में आ चुके हैं जहां आपका डॉक्टर आपकी उम्र को रिवर्स कर सकता है, आपकी प्रोस्टेट को रिवर्स कर सकता है। ये उस जमाने में नहीं था जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, उससे पहले दवाइयां नहीं थी। हर बुजुर्ग आदमी का ऑपरेशन होता था या उसकी पाइप लगती थी और उनके इन्फेक्शन और उनकी अलग अलग तरीकों से मौत होती थी। बहुत से लोग आपको आपके आप जो लोग सीनियर लोग हैं उनको पता होगा कि आपके फादर्स और आपके ग्रैंडफादर्स की यूरिनरी सिस्टम की क्या सिचुएशन थी उस जमाने में। दुनिया बहुत बदल गई है, आज इस दुनिया में बदल गई है, तो आप इसके भागीदार हैं, आप इस जर्नी में हमारे साथ हैं। तो बहुत जरूरी है जानना कि उस जमाने में सर्जरी ही सिर्फ ट्रीटमेंट था, आज भी सर्जरी एक ट्रीटमेंट है बिकॉज ये सर्जिकल बीमारी है। तो ये सोच ले कि हम दवाई खाएंगे, हम सर्जरी नहीं करवाएंगे, कोई डॉक्टर डिसाइड नहीं कर सकता कि सर्जरी कब होगा, कोई मरीज डिसाइड नहीं कर सकता कि सर्जरी कब होगा, ये आपकी कंडीशन डिसाइड करती है कि आपकी सर्जरी की कब जरूरत पड़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि सर्जरी वो करे जो आपको समझ पाया, जो आपको आपकी कंडीशन को समझ पाया, और इस कोशिश से करें कि आप इससे अच्छे हो जाए। पूरी इंटेंशन हमारी सर्जरी की होती है कि सर्जरी के बाद कुछ प्रॉब्लम न होने पाए। हो जाती है, हो सकती है, हम उसे भी सुधार सकते हैं, होती है। यूरिनरी पाइप बहुत नैरो होती है और नैरो पाइप के थ्रू कभी कभी टाइटनेस आ सकती है, ये पहला है। दूसरा, प्रोस्टेट को हमने अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया, फिर भी वो श्रिंक होता है और प्रोस्टेट वापस बढ़ सकता है। मैं उस पर गौर करूंगा कुछ मिनटों में बंद होने के पहले। तो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट, क्योंकि ये रास्ते को एनलार्ज करके ब्लॉक करके एनलार्ज कर रहा है, एक सर्जिकल बीमारी है। जैसे बुखार के लिए कोई ऑपरेशन नहीं होता, सिर्फ दवाइयां होती है, मलेरिया के लिए सिर्फ दवाई होती है और कोरोना के लिए सिर्फ दवाइयां ही है, वैसे ही कैंसर के लिए सिर्फ ऑपरेशन होता है, रुकावट के लिए रुकावट को खोलना पड़ता है। वैसे ही इसकी अगर एंड स्टेज पे आप आए तो रुकावट को खोलना ही पड़ता है। वो हम तभी करते हैं जब हम यूरोडायनामिक्स के टेस्ट के आधार पर समझ जाते हैं कि आप सचमुच बहुत देर से तो नहीं है, यहाँ प्रोस्टेट बढ़ के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। हम ब्लैडर बिल्कुल कमजोर तो नहीं है, आपको जानना होगा आपके ब्लैडर की हालचाल क्या है। ब्लैडर ने कॉन्ट्रैक्शन किया, रास्ता खुला, पेशाब निकलता था, ब्लैडर को आपने यूरिन पास करने ही नहीं दिया, ब्लैडर बेचारा ब्लॉक होता होता इतना बंद हो वो चला गया कि प्रोस्टेट बिल्कुल उसको ब्लॉक करके रखी हुई है यूरिनरी पैसेज को। तो ब्लैडर बहुत कमजोर तो नहीं हो गया। इस टेस्ट को हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं। ये लास्ट और फाइनल टेस्ट होता है, ये बिल्कुल रिपोर्ट कार्ड होता है, आप इस पार के उस पार, जजमेंट डे होता है बेसिकली। यूरोडायनामिक्स हम हर मरीज के लिए करते हैं, अगर हमें जरूरत पड़ती है तो, नहीं पड़ती है तो हम दवाइयों पर रखते हैं, नहीं पड़ती है दवाई तो ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं। तो मेरे पास तीन तरह के मरीज होते हैं। एक वो मरीज है जिनको हमने दवाइयां बंद कर दी हैं, जिनको हम दवाई देते नहीं है। एक वो पेशेंट है जिनको हम दवाइयां दे रहे हैं और दवाइयों में चेंजेस कर रहे हैं और उस आधार पे उनके सिम्टम्स कोर्स और उनकी फ्लो और उनके टेस्ट के आधार पे होता है। और तीसरे वो मरीज होते हैं जो लेट से आते हैं या एडवांस स्टेज में आते हैं या कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में आते हैं, जिनको हम प्रोस्टेट ऑपरेट करते हैं। ऑपरेशन के बारे में इतनी घबराहट कभी नहीं होती, लोग घबराते हैं और हमारे इंटरव्यू हर दिन लेते हैं, लेकिन हम उनको समझाते हैं कि इतनी इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आप जब प्लेन में बैठते हैं तो कभी अपने पायलट को नहीं पूछते हैं कि ये प्लेन लैंड करेगा या क्रैश करेगा, तो वैसे ही अपने डॉक्टर को पूछते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, और कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग डायपर में पूरी जिंदगी है, तो ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों की ऑपरेशन के बाद उनकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो गई और उनका पेशाब लीक हो रहा है, ये दुर्भाग्य है उनका, ये होना नहीं चाहिए था। और ऐसे लोगों की ट्रीटमेंट हम करते हैं, ऐसे लोग बॉम्बे आ रहे हैं और हमारे पास कोकिला बेन हॉस्पिटल आ रहे हैं जिनकी यूरिन लीक होते जा रही है, उनकी ऑपरेशन 1 साल 1 महीने 10 साल पहले हुई थी और डायपर्स में पड़े हुए। ऐसे पुरुषों को आज एक तरह का अनाउंसमेंट है कि आपको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप डायपर्स में पड़े हुए हैं, आपकी सर्जरी हो चुकी है, किसी कारणवश आपकी यूरिन लीक हो रही है, तो आप ट्रीट हो सकते हैं। ऐसे लोगों को एटलीस्ट मैं जगाना चाहता हूं कि आप आए। आप जैसे फीमेल यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, औरतें डायपर्स में रहती हैं, खांसी करती हैं, यूरिन लीक हो जाता है, अगर पुरुष इस तरह से लीक कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को हम जगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो पुरुष थे जो डायपर्स में रहते थे, जिनका पेशाब बिल्कुल लीक ही होता रहता था, आज वो बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल कंफर्टेबल और केपेबल है, उनको हम ठीक करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम रही है, कोई कॉम्प्लिकेशन रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट है, बशर्ते आप सही डॉक्टर के पास सही टाइम पे जाएं। तो ये जरूरी है कि हम इसके बारे में बात करें। ये मैं आपको बता रहा था 2016 की बात है, जब हम इनको जनवरी 2 तारीख को ऑपरेट किए थे, उनकी उम्र 105 साल थी। आप देख सकते हैं, ये स्लाइड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और ये कभी भी जागरूकता के लिए मैं यूज करता हूँ। 105 साल के बाबा जी इसी हॉस्पिटल में 15वीं मंजिल पे थे और दिसंबर 2015 में इनका पेशाब पूरा बंद हो गया। उसके बाद वो 105 साल की बॉडी में पेशाब पूरा बंद होना और पाइप नहीं जा पाना, पेट के रास्ते एक पाइप डाला गया था और उसको कन्वर्ट करके पेशाब के रास्ते से पाइप डाला, हम लोगों ने ऑपरेट किया 5 दिन के लिए। उसके बाद जब घर गए फिर 5 साल तक बिल्कुल ठीक था। ये उनका देहावसान इस साल हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी उम्र में ऑपरेशन हो सकती है, बशर्ते मरीज अपने घर पे बेड पे नहीं पड़ाया और फिर वो चल नहीं पा रहा तो हम उन्हें छू नहीं पाएंगे। अब मरीज अगर हॉस्पिटल आता है और ट्रीटमेंट डिमांड करता है तो उम्र नहीं देखी जाती है। 40-45 साल में भी ऑपरेशन की जाती है, जो हम नॉर्मली करना नहीं चाहते, तो उस उम्र में हम दवाइयों की कोशिश करते हैं। पर मैंने 45 और 50 के उम्र में हर महीने का ऑपरेशन किया बिकॉज उनको कोई छूना नहीं चाहता था, उनकी
पेशाब बंद होती जा रही थी, ब्लैडर कमजोर होता जा रहा था, यूरोडायनामिक्स बताता था कि फ्लो और गड़बड़ होता जा रहा है और हमसे दवाई खिला रहे थे बिकॉज ये यंग सेक्सुअली एक्टिव लोग हैं और इनको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है, तो यहाँ हम यूरिन देखें या इजैकुलेशन देखें, ये जरूरी होता है। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझाना। हम लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर आपके कुछ क्वेश्चन। कैंसर प्रोस्टेट वो बीमारी है जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के तरह ही प्रेजेंट करता है। वो बहुत बार सीरम पीए से बढ़ा है तब आपकी नींद खुलती है, बहुत बार बीमारी स्प्रेड होती है तो आपकी नींद खुलती है। मैं आपको बता रहा था कि प्रोस्टेट कैंसर एक हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर है, ये बाकी ट्यूमर्स की तरह नहीं है, ये हार्मोन रिलेटेड ट्यूमर है। ये हार्मोन, ये ग्लैंड हार्मोन की चेंजेस के कारण हो रहा है। तो इसमें कुछ गुड न्यूज होते हैं और कुछ बहुत गुड न्यूज होते हैं। ये क्योरेबल और ट्रीटेबल होता है सिर्फ हार्मोन की मैनिपुलेशन के द्वारा। ऑब्वियसली ये भी एक सर्जिकल बीमारी होती है, अगर आप टाइम पे आते हैं तो हम पूरी बीमारी ही निकाल लेते हैं। हम आपको रेडियोथेरेपी से क्योर कर सकते हैं, हम आपको रोबोटिक सर्जरी से क्योर कर सकते हैं और हम बहुत बार आपको हार्मोन मैनिपुलेशन से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट मतलब शायद अगर आपकी डिजीज स्प्रेड हो चुकी है और बहुत फैली हुई है तो भी इसको इतना काबू में रख सकते हैं। जैसे 10 साल 15 साल 25 साल से मरीज जिंदा है इस कैंसर के द्वारा और कुछ मुश्किल नहीं है, बिकॉज आज हार्मोन मैनिपुलेशन के इतने तरीके आ चुके हैं कि आपकी जिंदगी संभली रहती है। ये बोन्स को स्प्रेड करता है, नोड्स को स्प्रेड करता है और ये सब कुछ हम काबू में रखते हैं। और इस शहर में जहां मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 12 साल से इस तरह के मरीज आए जो कैंसर प्रोस्टेट लेके बिल्कुल टाइम पे आए, जिनको मैं रोबोटिकली कैंसर प्रोस्टेट को पूरा निकाल देता हूँ और ऑर्गन को फिर से जोड़ लेता हूँ तो प्रोस्टेट पूरा हट जाता है। वो लोग बिल्कुल देर से आते हैं, उनको हार्मोन की ट्रीटमेंट करते हैं और उसके बाद उनको फॉलो करते रहते हैं। और जो लोग सिर्फ रेज पीएसए लेके आते हैं उनको पहले असेस करते हैं कि ये कैंसर है या प्रोस्टेटाइटिस है और फिर आगे बढ़ी जाती है। तो पीएसए के द्वारा इतनी घबराने की बात नहीं, अगर आपकी पीएसए किसी माने बढ़ी हुई है तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। मैं एक चीज पे गौर करना चाहता था कि हमने जब बीपीएच की प्रोस्टेट की सर्जरी की तो हम प्रोस्टेट को सिर्फ अंदर से ही निकालते हैं, सिर्फ अंदर से ही दूरबीन के रास्ता जाके अंदर से ही निकालते हैं। इसका मतलब है कि बाहर का छिलका छोड़ देते हैं या बाहर का ग्लैंड छोड़ देते हैं। तो बीपीएच की जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, इसके बारे में मैं गौर कर रहा था, जहां हमारी दवाइयां काम नहीं आई या दवाइयों से आपको आराम नहीं मिला या आप इमरजेंसी में या लेट आए, तो वहां की जो सर्जरी जो हम लेजर से करते हैं या दूरबीन से करते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोकॉटरी के द्वारा पूरी प्रोस्टेट अंदर से निकाल देते हैं जो बढ़ के रास्ते को ब्लॉक कर रहा था, और बाहर का छिलका जो छोड़ देते हैं उससे दो चीजें हो सकती है। प्रोस्टेट वापस ग्रो कर सकता है और उसे नहीं ग्रो करने के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ जाना पड़ता है। अल्ट्रासोनोलॉजी और एग्जामिनेशन के द्वारा हम पता कर लेते हैं कि क्या हो रहा है। दूसरा, हम साल में एक बार पीएसए फिर भी चेक करते हैं। तो अगर आपकी प्रोस्टेट की सर्जरी कैंसर के लिए नहीं हुई और बीपीएच एनलार्जमेंट के लिए हुई है, रुकावट के लिए हुई है, तो आपको अपने यूरोलॉजिस्ट के पास वापस जाने की जरूरत है। अगर आपने अनदेखा किया है तो कृपया कल वापस जाइए। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है वो आपको फिर से तंग कर सकता है, उससे ब्लीडिंग हो सकती है, रुकावट हो सकती है। दूसरा, जो प्रोस्टेट एनलार्ज हो रहा है वो पेरिफेरल पार्ट ऑफ द ग्लैंड या छिलके से हो रहा है। जैसे आपने कोकोनट अंदर से खा लिया और बाहर का छिलका छोड़ दिया, उस छिलका से फिर कोकोनट बन सकता है क्या? हाँ, प्रोस्टेट में बन सकता है। तो उस छिलके से कैंसर बन सकता है, उस छिलके से प्रोस्टेट बढ़ सकता है, और ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जिसकी भी प्रोस्टेट सर्जरी हुई है एनलार्जमेंट के लिए, रुकावट के लिए, उनको अपने डॉक्टरों के साथ पूरी जिंदगी चिपका रहना पड़ता है। साल में एटलीस्ट एक बार पीएसए का चेक और प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की चेक, फ्लो की चेक, वापस रुकावट न बने। ऐसे मरीज हैं जो आज से 10 साल 20 साल पहले ऑपरेट कराया और फिर सेकंड टाइम ऑपरेट करा रहे हैं। तो बोलते दूसरी बार क्यों ऑपरेट कराना है भाई? हमने कहा जैसे आप बाल काटते हैं एक महीने के बाद दूसरे महीने बाल बढ़ता है ना, वैसे हार्मोन रिलेटेड चेंज है तो हार्मोन के कारण ये बढ़ता है, वापस बढ़ सकता है। हमने सिर्फ अंदर से उतना ही खाली किया था, बाहर का छिलका छोड़ दिया था, ताकि आप 2 साल 10 साल 50 साल आप पूरी जिंदगी शायद ठीक ठाक रहें। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी के हार्मोन्स आपको वापस प्रोस्टेट ग्रो करा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि अपने डॉक्टर के साथ चिपके रहें, अपने यूरोलॉजिस्ट के पास वापस जाएं। फ्रेंड्स, प्रोस्टेट कैंसर एक अनकॉमन बीमारी नहीं है। हफ्ते में 7 दिन में प्रोस्टेट कैंसर देखता हूं। यंग पेशेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर होना अच्छी बात नहीं है, वो बड़ी एग्रेसिव डिजीज होती है। इसकी स्क्रीनिंग तभी हो सकती है जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं और हमारे ऐसे यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के अपने शहरों में मिलते हैं और उसके बाद अपनी ट्रीटमेंट कराते हैं। ये बहुत जरूरी है जागरूकता इस बीमारी के बारे में। उस समय हम अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड, प्रोस्टेट बायोप्सी और पेट स्कैन वगैरह वगैरह करते हैं, ये अलग तरह की कहानी है। हम आज पॉजिटिव प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे, हम आज कैंसर की ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रहे। हम कुछ पेशेंट्स के बारे में अगले में बात करेंगे, पर आज आपको ये जगाना जरूरी था कि आप जान पाए कि प्रोस्टेट की हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आपके हाथ में, मैंने कहा आपकी जिंदगी की चाबी आपके हाथ में होती है, वो चाबी आप शेयर करते हैं कभी अपने डॉक्टर के साथ, कभी अपने लॉयर के साथ और हर किसी के साथ। मेरे को याद है कि वो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिसमें आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके पार्टनर्स या आपके वाइफ, ये लोग आपके बारे में बहुत कुछ आपके बारे में जानते हैं। फिर आपका रहता है पैशन कि हम अपने आप को समय से पहले कुछ कराना चाहते हैं। तो समय से पहले तभी हो पाएगा जब आपने समय से पहले अपनी बीमारी को या तो हेल्थ चेकअप कराया या फिर आप अपने डॉक्टर के पास कंप्लेन के साथ दोहराया। तो मैंने कहा प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट आज के जमाने में मैं रोबोटिक सर्जरी के द्वारा करता हूँ। कुछ ऐसे वीडियोस मैं आपको अगले हफ्ते 4 बजे दिखा पाऊंगा
जिसमें हम मरीजों से क्या बात करते हैं, जिसमें हम ट्रीटमेंट में क्या बातें करते हैं वगैरह वगैरह। तो फाइनली हम प्रोस्टेट को पूरा निकाल सकते हैं, जिसमें वो छिलका भी निकाल दिया तो प्रोस्टेट कैंसर का एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे पूरा कैंसर निकला हुआ। क्या हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं या हार्मोन थेरेपी कहते हैं? मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि किसी को कीमोथेरेपी की जरूरत ना पड़े। बाकी बीमारी में कीमोथेरेपी काम करती है, जब प्रोस्टेट कैंसर में कीमोथेरेपी आती है तो वो बहुत देर हो चुका होता है, तो उसकी उसका जरूरत किसी को शायद ना पड़े, ये बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, प्रिवेंशन बहुत जरूरी है और प्रिवेंशन बहुत से कारणों से होता है। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा गौर करूंगा खत्म होने के पहले। ये इंपॉर्टेंट है कि जिसके भी फादर और जिसके भी भाई, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, उनके भाई और उनके फादर, अगर ये दोनों को कैंसर प्रोस्टेट था तो आपको कैंसर प्रोस्टेट का रिस्क रहता है, बिकॉज ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में होने का डर रहता है। फिजिकली एक्टिव होना, हेल्दी रहना और बहुत से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाना, एंटीऑक्सीडेंट्स खाना, ये सब आपके लिए जरूरी है, ये सब कैंसर प्रिवेंशन के लिए बहुत जरूरी है। सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत डेंजरस तरह की सिचुएशन है, जैसे डायबिटीज एक डेंजरस सिचुएशन। डेंजरस क्यों कहता हूँ, ये धीरे धीरे जान लेता है। सिगरेट स्मोकिंग 9 तरह के कैंसर करता है बॉडी में, जिसमें 3 कैंसर हम ही डील करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, किडनी और यूरेटर्स की कैंसर हम डील करते हैं। इसके साथ मुंह के कैंसर और लंग के कैंसर भी स्मोकिंग से होता है, तो हमें इससे बचने की जरूरत होती है। वैसे ही प्रोस्टेट कैंसर से बचने की जरूरत तभी हो पाएगी जब हम अपने डॉक्टर के पास टाइम पे जाएंगे, या हमारे अगर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कैंसर प्रोस्टेट था, हमारे फादर या हमारे भाई में से किसी को अगर कैंसर प्रोस्टेट था तो हमें होने का रिस्क होता है, तो हम स्क्रीनिंग पे बहुत क्लोजली रहते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने आप को खत्म करने की लास्ट कोशिशें हैं, जिसमें एक मरीज बोलता है मेरे को बहुत टाइम लगता है यूरिन पास करने में। वो बहुत यंग है, अगर 20 से 40 साल में, तो प्रोस्टेट उसका कारण नहीं है, पेशाब की नली में ब्लॉकेज, जिसे हम स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। पर अगर वो बुजुर्ग है तो उसका प्रोस्टेट एनलार्ज हो सकता है, उसके प्रोस्टेट पेशाब के रास्ते को ब्लॉक कर रही है, ब्लैडर बहुत जोर लगा के पेशाब करने की कोशिश कर रही है। औरतों में प्रोस्टेट नहीं होता है, पर औरतों में उम्र के कारण, उनकी चेंजेस के कारण, जिसके बारे में आज शाम को 4 बजे मैं अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ, औरतों को जगाना चाहता हूँ कि आपने यूरिनरी इन्फेक्शन, आपकी यूरिनरी पैसेज में जो चेंजेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें प्रोस्टेट नहीं होता पर उनकी रुकावट भी हो सकती है, इसमें भी यूरोफ्रोमेट्री, सोनोग्राफी और आपके कंप्लेंट्स आपके यूरोलॉजिस्ट को हेल्प करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिनरी प्रॉब्लम के लिए हर कोई अपने यूरोलॉजिस्ट के पास फाइनली जाए। लेडीज अपने मित्रों के पास जाती हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, पर गायनेकोलॉजिस्ट हर समय यूरिनरी प्रॉब्लम्स की पूरी ट्रीटमेंट नहीं करती या नहीं कर पाती, या उनकी व्यस्तता इतनी होती है, बिकॉज गायनेकोलॉजिकल बीमारियां अपने में बहुत है, तो उनका पूरा ट्रेनिंग यूरिनरी सिस्टम्स में नहीं होता अनलेस वो यूरोगायनेकोलॉजिस्ट होती है। मेरा मानना है कि आप अपने शहरों में अगर यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप औरत हैं तो अपने यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, बिकॉज वो आपकी प्रॉब्लम को जल्दी टाइम पर पकड़ पाएंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर गायनेकोलॉजिस्ट, हर जनरल प्रैक्टिशनर, हर फिजिशियन हमारे साथ पार्टनर्स हैं इन योर पेल्विस, दे हेल्प अस टू पिकअप थिंग्स अर्ली। तो अगर आप सही डॉक्टर के पास जाए तो आपके सही डॉक्टर के पास रेफर भी करते हैं। पेशाब में कभी भी खून आया तो उसको इग्नोर न करें। किसी ने अगर पेशाब में खून देखा और उसको इग्नोर किया और थोड़ा इन्वेस्टिगेट हुआ और फिर भूल गए तो ये बहुत गलत होगा। हर ब्लीडिंग इन यूरिन शुड बी टेकन लॉजिकली टू अ यूरोलॉजिस्ट फॉर अ कंक्लूजन। मतलब वो कम पानी पीने से और समर सीजन के कारण नहीं हो रहा, वो या तो स्टोन्स के कारण या इन्फेक्शन के कारण या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के कारण या कैंसर के कारण या प्रोस्टेट में आपके ब्लड थिनर्स के इफेक्ट के कारण हो रहा है, ये बहुत जरूरी है आपको जानना। और फाइनली अगर आपको बार बार पेशाब जा रहे हैं, और बच्चों में जैसा होता है, 6 से 15 साल के बच्चों को मैं देखता हूँ जो बेड वेटिंग करे जा रहे हैं और माता पिता भूल गए जब तक उनको हम जागरूक नहीं करते, ये भी हम अपने यूट्यूब चैनल से कभी बात करेंगे तो वो बहुत लाजाने के होते हैं। तो रात को बार बार पेशाब जाना प्रोस्टेट की इशू है। ये इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें इतनी सारी चीजों के बारे में हम आपको जागरूक कर पा रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है कि अपने कंट्रोल, अपनी चाबी को अपने साथ ही रखें। पेशाब के रास्ते में अगर रुकावट रही और बहुत सालों से अगर रुकावट है, तो इसे स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं, इसकी ऑपरेशन होती है। इस ऑपरेशन में हम लोग अपनी ट्रेनिंग के द्वारा सीएमसी वेलोर और जिपमर पॉन्डिचेरी में माहिर हो पाए और आज बहुत सी यूरिनरी पैसेज जिसमें स्ट्रिक्चर है उसको रिपेयर करते हैं। स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा ऑपरेशन के बाद हो सकता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा इंजुरीज और एक्सीडेंट के बाद हो सकता है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा में मरीज के साथ रहना है, स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा उस तरह की रुकावट है जिसमें पैसेज बिल्कुल टाइट हो गया, उसको टाइम पे खोलना जरूरी है। अगर पेशाब बंद हो गया तो नीचे से फिर कोई पाइप नहीं डाल पाएगा, फिर पेट के रास्ते डालने की जरूरत पड़ती है। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग जागरूक हो और हर स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा को अपने यूरोलॉजिस्ट के पास टाइम पे ट्रीटमेंट कराएं, और सिर्फ ट्रीटमेंट ही ना कराएं, उसकी फॉलोअप भी कराएं। तो इस शहर में जहां मैं रहता हूं, बहुत से पेशेंट स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा लेके आते हैं, यूरिनरी पाइप में रुकावट लेके आते हैं, जैसे दूर दराज से भी लोग आते हैं, और उनकी रुकावट को ट्रीट करना, उनको समझाना और फिर इसको फॉलोअप करना ताकि ये वापस ब्लॉक ना होने पाए, ये हमारी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की चाबी आप जब दे पाएंगे तभी हम आपको ठीक कर पाएंगे। हम नॉक्ट्यूरिया की बात कर रहे थे, रात को बार बार जगना, और हम इसलिए आपको जागरूक कर रहे थे कि मार्च 17 को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे वर्ल्ड स्लीप डे। यूं आपको जागरूक करने के लिए कि स्लीप साउंडली एंड नर्चर लाइफ। वैसे ही
एक है वर्ल्ड बेडवेटिंग डे, वो हर लास्ट सैटरडे को वर्ल्ड बेडवेटिंग डे के हम बात करते हैं, और ऐसी कुछ एक लेक्चर मैंने 24 मई को हिस्सा लिया था जिसकी रिकॉर्डिंग शायद हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, तो कभी ना कभी आप जान पाएंगे कि रात को पेशाब करना और बेड पे पेशाब करना गलत है, उसके तरीके हैं, उसके ट्रीटमेंट है, उसके अलार्म्स है, उसके दवाइयां हैं, ये बहुत जरूरी है। तो मैं इस तरह से इसे खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज भारत पूरे पूरे शहर अब हर शहर से ये चीज देख रहा है और ग्लिटर कर रहा है। हमें ये भी जगाना जरूरी है कि पॉजिटिव अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंडिया टुडे का गुड न्यूज इशू आपको जगाता है, जिसमें हमने एक आर्टिकल लिखा था, प्रोस्टेट केयर कैंसर अवेयरनेस इज अर्ली मैनेजमेंट एंड दैट की इज विथ यू। आपके लिए जगना जरूरी है। इसकी अनुवाद मेरे पास है और मैं कभी ना कभी आपको इसके लिए भेज पाऊंगा। मेरा जीमेल और मेरे मेल एड्रेसेस आपके पास है जो इसकी रिकॉर्डिंग में आपको दिख पाएगा और आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली आज का मोटो इस लेक्चर में ये था कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल तब कर सकते हैं और फाइनली ट्रीट करते करते क्योर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी चाबी किसी और को दे पाए और टाइम पे दे पाए। हर कोई कहता है आई लव माई डॉक्टर, बहुत जरूरी है। आई लव माई यूरोलॉजिस्ट बिकॉज ही कम्स एंड टॉक्स टू यू, ही मेक्स यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड मेक्स यू अंडरस्टैंड इट टू। ये पूरी चीज हमने अंग्रेजी में पिछले हफ्ते कही थी, आज हम इसे हिंदी में इसलिए अनुवाद कर रहे थे बिकॉज दूर दराज बहुत लोग अंग्रेजी नहीं बोलते, शायद उनको ये पहुंच नहीं पाता है और बहुत लोग मिस करते हैं। तो मैं रेडीज लैब को सैल्यूट करता हूं बिकॉज उन्होंने दूसरे हफ्ते में ये रिक्वेस्ट किया कि किसी बहाने आप इसे हिंदी में अनुवाद करें और पूरे स्लाइड्स को हिंदी में अनुवाद करें। तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी था कि मैं आज हिंदी में सबको ये समझा पाऊं कि प्रोस्टेट अवेयरनेस की जो जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो मैं फिर अगले बार अगले साल ही आ पाऊंगा बिकॉज सेप्टेम्बर के महीने के बाद हम लोग ये बात नहीं कर पाएंगे। स्वपन, आपका क्वेश्चन में कुछ देर में आता हूँ, मैक्सॉइड प्लस कब तक खा सकते हैं? मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जागरूकता हम यूट्यूब के द्वारा फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों तक पहुंच पाए। पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको हम टाइम पे पहुंचा पाए। एक यूट्यूब चैनल जो हमारे नाम पे लिंक्ड है, डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी, उस चैनल पे आज शाम को हम औरतों के बारे में बोलना चाहते हैं बिकॉज लेडीज किसी को कंप्लेन नहीं कर पाती और लेडीज की यूरिनरी प्रॉब्लम अपने में बहुत ज्यादा होती है। इसी चैनल पे हम अगले हफ्ते 4 बजे, अगर आप इसको सब्सक्राइब किए तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और अगले हफ्ते 4 बजे हम उन 10 मरीज के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल माइल्ड सिम्टम्स, मॉडरेट सिम्टम्स और सीवियर सिम्टम्स लेकर के वापस आए थे और उनको हमने अलग अलग दवाइयों से ट्रीट किए थे, हम उस पर गौर करना चाहते हैं। तो आज शाम को 5 बजे अगर आप यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी पे सब्सक्राइब है तो हम औरतों में फीमेल यूरिनरी इश्यूज पे बात करेंगे हिंदी में, अनरेवलिंग देयर अवेयरनेस एंड ट्रीटमेंट। वो बात नहीं कर पाती है, उनकी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, उनकी लीकेज, उनकी यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लैडर पेन सिंड्रोम और एज के साथ यूरिनरी चेंजेस जो होती है, उसके बारे में आज शाम को 5 बजे हम फिर मिलते हैं। ये बहुत जरूरी था। अगली बार अगर आप प्रोस्टेट के बारे में सोचें, BPH, कैंसर, प्रोस्टेट, प्रोस्टेटाइटिस, अगली बार आप स्टोन्स के बारे में सोचें, किडनी स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, यूरिनरी ब्लैडर स्टोन, अगली बार अगर आप सोचें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या लीकेज के बारे में, ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में, या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं रहा और किडनी फेल हो गया और किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है और यूरोलॉजिकल इमरजेंसीज इस शहर में और हर शहर में, अपने यूरोलॉजिस्ट के बारे में सोचिए, ये सोचिए कि वो किस तरह से 24 घंटे काम करते हैं। फ्रेंड्स, द गुड न्यूज इज ऑल गुड थिंग्स हैव टू टेक टाइम एंड ऑल गुड थिंग्स हैव टू कम टू एन एंड। आप सब अपने प्लेन के पायलट्स हैं, आप सब अपनी प्लेन खुद चलाते हैं। ये जरूरी है कि आज जिस जर्नी में आप हमारे साथ थे उस जर्नी को आगे लेके जाइए। अपने हेल्थ के बारे में सोचिए, हर ऑर्गन के बारे में सोचिए। ये तो एक जागरूकता उस ऑर्गन के बारे में थी जो आप देख नहीं सकते, ये जागरूकता इसलिए थी बिकॉज ये ऑर्गन काफी डीप छुपा हुआ है। सो फ्रेंड्स, एज ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम, आई विल अगेन सी यू ऑन माय यूट्यूब चैनल एट 5 o'clock टुडे इवनिंग एंड ऑन 4 o'clock नेक्स्ट संडे। एवरी पेशेंट टेल्स अ स्टोरी, एवरी डॉक्टर लिव्स अ पैशन, दैट इज हिज ओनली पर्पस, एंड देयरफॉर डेडिकेशन, इंस्पिरेशन व्हिच ही डज नॉट वर्क फॉर एंड ही डज नॉट वर्क फॉर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस दैट अ डॉक्टर डज एट ऑल आवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं वो ए फॉर एनास्थेटिस्ट हो और लास्ट में यू फॉर यूरोलॉजिस्ट हो, और इसके बीच में पैथोलॉजिस्ट हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये सब आपके लिए काम कर रहे हैं, ये सब आज कोविड वॉरियर्स हैं। आपको हेल्थ केयर सिस्टम में एक फेथ रखना पड़ेगा तभी आपकी दुनिया मूव कर सकती है। ऑन रोड्स टू सक्सेस ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस अवेयरनेस और अवेयरनेस ही फैलाई जाए। तो मेरा मानना था कि आज हम प्रोस्टेट डिजीज पे बात कर रहे थे, अगले सितंबर में हम फिर आपके पास आएंगे, और मेरे को मालूम है इस अवेयरनेस के बाद बहुत से लोग अपने वाइफ को बोलेंगे हनी आई एम ऑफ टू सीइंग माय यूरोलॉजिस्ट बिकॉज हमें पता चल गया कि हमें अपने यूरोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। फ्रेंड्स, हम यही अपने आप को आज खत्म करना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी उम्र पर यह प्रॉब्लम हो सकती है। ये प्रेजेंटेशन मरीज अलग अलग तरीके से करता है, ये नीड है कि हम उनके घरों तक पहुंचे और उनको जगाएं, बिकॉज अगर हम ये चैलेंज को मीट नहीं करते और ये जो ड्रीम इतने सालों से थी
कि मरीजों तक और सोसाइटी तक पहुंच पाए, आज वो ड्रीम फुलफिल हो पा रहा है, इंग्लिश में हो पा रहा है, हिंदी में हो रहा है, आपकी भाषा में हो पा रहा है, बिकॉज ट्रीटमेंट डिलेड इज ट्रीटमेंट लॉस्ट. जितना देर करते हैं उतनी देर होती है. डॉक्टर रेड्डीज लैब, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस. कोकिला में धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल हैज बीन अ स्ट्रॉन्ग फोर्टे वेयर वी हैव कम एंड टेकन दिस सब्जेक्ट टू वेरी हाई लेवल्स. मैं ये स्क्रीन शेयर बंद करके लास्ट कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर आप सबको सलाम करता हूँ. आपके और मेरे बीच में अब लंच का टाइम होता है, तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होगा कि हम इसको टाइम पे बंद करें. कुछ क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करना चाहता हूँ, और उन क्वेश्चंस को जिन्होंने पूछा है उसमें लास्ट क्वेश्चन से हम फर्स्ट क्वेश्चन को जाएंगे. लास्ट को कोई और क्वेश्चन है तो आप अगले दो मिनटों में टाइप कर लें. जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि हाउ लॉन्ग कैन आई यूज अ मेडिसिन कॉल्ड मैक्सॉइड प्लस 8. दवाइयां आप डिसाइड नहीं कर सकते. डॉक्टर ने अगर दवाई शुरू किया है तो डॉक्टर ही दवाई बंद करेगा. पहला, डॉक्टर ही दवाई को कम करेगा और बढ़ाएगा. तो दवाइयां आप कंटिन्यू करेंगे, दवाइयां आपको हेल्प कर रही है, आपको हेल्प नहीं कर रही तो दवाई आपके काम नहीं आ रही है, तो दवाइयों को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी. तो ये बहुत जरूरी होगा आपको समझना कि डॉक्टर ने ये आपकी भाषा के अनुवाद जो आपने कंप्लेन किया, आपको एग्जामिन किया, आपके जो टेस्ट किए, उसके बाद दवाइयों की शुरुआत की है. सिर्फ आपकी अल्ट्रासाउंड और आपकी यूरिन रिपोर्ट और पीएसए की रिपोर्ट से दवाई लिखी नहीं जाती. बहुत जरूरी है आपको जाना. तो इन दवाइयों को हम कंटिन्यू करेंगे. कोई भी दवाई बंद नहीं होती है जब तक हम नहीं देखते कि आप में हम रिवर्सल ला पाए. तो अगर आपकी यूरिनरी फ्लो बहुत इंप्रूव हो गई, आप उस लेवल को आ गए जो हम सेफ समझते हैं, तो एक डॉक्टर एक्सपेरिमेंट नहीं करता, पर वो दवाई बंद करने के बाद वापस दवाई शुरू कर सकता है. दवाई बंद करने के बाद वो आपको फॉलो करता है. सो मेडिसिंस आर लॉन्ग टर्म, मेडिसिंस आर टू श्रिंक, मेडिसिंस आर टू इंप्रूव योर फ्लो, मेडिसिंस आर टू इंप्रूव योर हेल्थ इन द बैकग्राउंड ऑफ चेंजिंग एज. उम्र बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम बढ़ रही है. हम उस प्रॉब्लम को अपनी दवाइयों के आर्मी के साथ लड़ रहे हैं, तो हमारी लड़ाई उस बीमारी के साथ चलती रहती है. कभी कभी आजीवन दवाई लेना पड़ता है, लेकिन आजीवन दवाई लेते लेते आप गायब नहीं हो सकते. यू कैन नॉट कंटिन्यू टेकिंग मेडिसिंस एंड कंटिन्यू लिविंग अ लाइफ ऑन मेडिसिंस एंड फाइनली वन डे यू गेट ब्लॉक. इतने साल तक दवाई खाई और फिर भी ब्लॉक हो गए तो फायदा क्या. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो ना होने दें. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. दूसरा क्वेश्चन मैं बात करना चाहता था, What precautions to take if such situation does not arise? So precautions वो था कि अगर आपको complaint है आपने doctor के पास time पे जाओ. आपके शहरों में और हर शहर में आपके doctors equipped हैं और उनके पास वो सारे औजार हैं जो उनके उनकी जो experience है, जो evidence आज दुनिया में है और जो evidence वो हर दिन पढ़ते हैं और जिसका उपयोग मरीजों पे बिल्कुल time पे उनको ठीक करने के लिए कहते हैं. Important है कि वो उपयोग करने के लिए उनको समय दें. So situation does not arise if you complain in time. पेशाब में खून जा रहा है, आप दो महीने बैठे हुए, आप आए तो ब्लैडर में कैंसर पड़ा हुआ जो ऑपरेट कर रहा हूँ, और या फिर एक प्रोस्टेट कैंसर को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो वो देर हो जाता है. अगर कोई कंप्लेन है तो उसे टाइम पे मिलने की जरूरत है और वो हमें शायद हेल्प करता है, वो हमारे लिए जरूरी है. तो राजकुमार जी, आप और आपके सारे मित्र ये पता होने चाहिए कि यूरिनरी कंप्लेन्स घर में नहीं रख सकते, उसे डॉक्टर के सामने पेश करना है, यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है. प्रिकॉशंस इन डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, मैंने बताया डायबिटीज और हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट उतनी इंपॉर्टेंट है जितना आपका सांस लेना इंपॉर्टेंट है. तो आप सांस बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, बिकॉज 10 साल बाद आपकी डायबिटीज और आपकी ब्लड प्रेशर आपके साथ वो खेल खेलती है, आपको पता भी नहीं होता. आपकी आंखें फेल हो रही हैं, आपकी किडनी फेल हो रही है, आपकी ब्लैडर फेल हो रही होती है, ब्लड प्रेशर के लिए नहीं पर डायबिटीज के लिए. ब्लड प्रेशर आपकी आंखों को और किडनीज को तंग करता है. तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीज है जिसको आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने एक्सरसाइज, अपने योगा, अपने खाने पीने के चक्कर से, और अपने टाइम पे दवाई लेके अपने डॉक्टरों के साथ मिलते मिलते. सर, इन प्रोस्टेटाइटिस इज देयर एनी रोल ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स? वेरी मच. प्रोस्टेटाइटिस वो बीमारी है जिसको हम एक्यूट या क्रोनिक बोलते हैं. एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस वो है जिसमें मैंने आपको बताया था एक्यूट ऑनसेट, सडन ऑनसेट डिस्कम्फर्ट शुरू हुआ. क्या डिस्कम्फर्ट है? जिसमें आपको जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, पेरिनियल और यूरिनरी पैसेज में बहुत डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि बुखार हो रहा है और आप डायबिटिक हैं, तो आपकी बीमारी हर घंटे हर दिन बदलती जा रही है. उसमें आप इंतजार नहीं करेंगे, अपने डॉक्टर को टाइम पे मिलेंगे. उसमें आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, संजय ठाकुर साहब, कि प्रोस्टेटाइटिस में अल्फा ब्लॉकर्स यूज करना है कि नहीं. तो डॉक्टर विल डिसाइड कि इसमें हमें यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करना है, इसमें हमें इन्फ्लेमेशन को कम करना है, इसमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन को कम करना है. पीएसए अपने आप ही कम होता जाएगा, पीएसए के बारे में घबराए नहीं. एक्यूट प्रोस्टेटाइटिस में पीएसए बढ़ी रहती है. तो अल्फा ब्लॉकर्स यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करती है. कोई और दवाई दुनिया में बनी नहीं जो यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव कर सकती है. कोई और चीज नहीं बनी जो चीनी से मीठी हो, जो मीठा लगे. तो इसलिए दवाइयां सही देनी चाहिए और वो आपके डॉक्टर डिसाइड करता है. संजय, थैंक यू फॉर दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मंगेश साहब, एक्सरसाइजेस फॉर बीपीएच, कोई एक्सरसाइज नहीं है बीपीएच के लिए. जैसे आपकी हड्डी के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं है, मसल्स के लिए एक्सरसाइज होता है. सिमिलरली प्रोस्टेट एक ऐसा ऑर्गन है जो डीप सीटेड है, एक फिक्स्ड ऑर्गन है, वो अपने में बढ़ता जा रहा है और अंदर से रास्ते को ब्लॉक कर रहा है. तो इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं होती है. एक्सरसाइज क्लेम की गई है और आप लोग सब यूट्यूब के मालिक हैं और इतनी कुछ देखते रहते हैं. प्रोस्टेट की कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती है. प्रोस्टेट एक हार्मोन रिलेटेड ग्लैंड है, वो आपके और मेरे बस में नहीं है. मैं अपना भी नहीं कंट्रोल कर सकता, आपका भी नहीं कर पाऊंगा. हम जब कंप्लेन करेंगे तो शायद उसे टाइम पे पकड़ेंगे.
तो मेरा मानना है कि प्रोस्टेट की एक्सरसाइज नहीं होती, पर हाँ पेल्विक हेल्थ की एक्सरसाइज होती है। ये मैं आज शाम को औरतों से 5 बजे बात करूंगा यूट्यूब पे, तो उनको बताऊंगा कि फीमेल पेल्विक हेल्थ के लिए उनकी पेल्विक एक्सरसाइजेस कितनी इंपॉर्टेंट है, जो एज के साथ इंपॉर्टेंट है, वरना उनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है। पुरुषों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के कारण अलग होते हैं, वो स्फिंक्टर की वीकनेस या स्फिंक्टर की इंजरी या स्फिंक्टर का स्ट्रेच होना होता है, और पुरुषों में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की ट्रीटमेंट योगा से नहीं हो सकती, उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स होती है, आपके यूरोलॉजिस्ट के लिए जरूरी। और वैसे पेशेंट्स को हम इन्वाइट करते हैं कि वो हमारे पास कोकिलाबेन हॉस्पिटल आए और हमारे डॉक्टर मित्रों के पास जाएं जो यूरोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा पूरे दुनिया में और देश में काम कर रहे हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। फाइनल क्वेश्चन अर्जुन देशवाल साहब, कोई डायटरी एडवाइस बीपीएच पेशेंट्स के लिए? जी हाँ, जो आप अपने घर में खा रहे हैं, जो आपकी बीवी अभी खाना बना के 1 बजे आपको दोपहर में देने वाली, वो खाना हर दिन खाएं, वो खाना ही आपके लिए सच्चा खाना है। डायटरी एडवाइस ये है कि आपको कब्जियत ना होने पाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डायटरी एडवाइस है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे अंदर चेंज हो रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज होता है जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन, तो वो साइलेंटली आता है। और पूछेंगे कॉन्स्टिपेशन कितने साल से, वो बोलेंगे 2 साल से 10 साल से है साहब, काम चलते रहता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो कॉन्स्टिपेशन हर दिन क्यों होना है, दरवाजा हर दिन बंद क्यों होना है? ये उम्र के साथ होती है, ये डायबिटीज के साथ होती है, ये नर्व्स की इशू के साथ होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिनको पार्किंसनिज्म है, स्ट्रोक है, इन सबको होता है। ऐसे लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि उन लोगों को हम कॉन्स्टिपेशन से निकाले। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए डायटरी एडवाइस ये है कि साग सलाद सब्जी ज्यादा खाएं, और हम सब खाना अपने टंग के लिए खाते हैं, अगर टंग नहीं होता और वो टेस्ट की जरूरत नहीं होती तो कुछ भी खाने को तैयार होता, तो वो सब चीजें खाएं जो डायटरी एडवाइस है, जिसमें आपका मोशन खुल के आए और वो आपको हेल्प करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें 12 से 1 बजे का टाइम दिया था, लेकिन 11 से 12 का टाइम दिया था मैंने आपको, 1 घंटा आज स्ट्रेच किया, वो सब कुछ जागरूक करने के लिए जो आपके लिए काम आएगा। मेरा आज इस प्लेटफॉर्म से बहुत धन्यवाद है आप सबका, और जो भी लोग फ्यूचर में ये सुनेंगे उनको पता है हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं, जो हमारा जीमेल पड़ा हुआ है, और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कुछ ऐसी जागरूकता की अभियान होगी जो आज शाम 5 बजे शुरू हो रही है। तो अगर आप डॉक्टर संजय पांडे यूरोलॉजी यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करते हैं, फ्यूचर की जागरूकता आपको वहां से मिल पाएगी। डॉक्टर रेड्डीज लैब के प्लेटफॉर्म को मैं बहुत तहे दिल से सैल्यूट करता हूँ, बिकॉज 2 हफ्ते में 2 बार उन्होंने अंग्रेजी में और हिंदी में इसका अनुवाद प्रेजेंट किया है, और ये पूरे भारत को और पूरे विश्व को जाता है, जिसमें लोग टाइम पे अपने आप को ट्रीट कर पाएंगे। मेरा आप सबसे गुजारिश है कि अपने हेल्थ के बारे में सोचें, अपने हेल्थ के बारे में बिल्कुल टाइमली इंटरवेंशन लें, और अगर आप ये ले पाएंगे तो शायद हमारा आज का ये अभियान सफल हो पाएगा। हम मंडे से लेकर सैटरडे रात तक काम करते रहते हैं और संडे को सोसाइटी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। इस तरह की अवेयरनेस अभियान जो हम लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये शायद एक जमाने में ना था, जब मैं स्टूडेंट था या जब मैं पहले जूनियर कंसल्टेंट था, हम ये सब कर नहीं पाते थे बिकॉज इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं थे। तो आज इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, आज इस तरह के लोग हैं जो अपना समय इन्वेस्ट करने को तैयार है, जैसा आप लोगों ने आज इन्वेस्ट किया है, और इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आपकी फ्यूचर के लिए होता है, हर इन्वेस्टमेंट आपकी फ्यूचर आपकी सेफ्टी के लिए होता है। तो आज ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए था। मेरा मानना है कि आपके घरों में जो भी कोई है वो इसको जाने सीखे और आगे बढ़े। आज शाम 5 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। इस बार पुरुषों के हेल्थ को छोड़ के हम लेडीज के हेल्थ पे जाएंगे, यूरिनरी कंप्लेंट्स इन लेडीज, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेडीज फर्स्ट आज शाम 5 बजे, और अगले संडे को शाम 4 बजे प्रोस्टेटिक हेल्थ इन केसेस, इन माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर केसेस बाय पीपल हु प्रेजेंटेड, उनसे हम क्या बात करते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब, थैंक यू सो मच, एंटायर सपोर्ट टीम फ्रॉम रेड्डीज लैब एंड कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, इन हूज सिचुएशन वी हैव अरिजन, वी आर 12 इयर्स यंग हॉस्पिटल। इट फील्स गुड एंड फील्स वेरी प्राउड टू बी हियर, टू बी एबल टू हेल्प एवरीबडी एंड एनीबडी हु डिजर्व्स दिस काइंड ऑफ अ ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग अस एंड गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू अगेन, वी विल कम बैक। Thank you, sir. Thank you very much, sir. It was very nice. Thank you again. We'll take a break now and we'll come back someday with you and with everybody in the audience who have taken this time out to come over. I will take a break here and I will close. Thank you.